हेलो एवरीवान अभी लाइव ना क्या हम लोग लाइव है अभी गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून एवरीवन स्टार्ट करें आज का सेशन सो ऑल प्रेजेंट इन क्लास प्लीज राइट पी इन द चैट बॉक्स और आते ही सबसे पहले सभी लोग वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ठीक है और एट स्टार्ट करते हैं तो हमने लास्ट टाइम जो है Uh, हमने किया था आई थिंक ट्वेंटी सेकेंड सेप्टेम्बर तक का करंट अफेयर्स किया था तो आज से हम शुरू करें ट्वेंटी थर्ड सेप्टेम्बर से लेके सेवेंथ ऑफ अक्टूबर तो इसको जल्दी जल्दी रैपअप कर लेंगे हम लोग ताकि बिल्कुल एकदम सिंक में आ जाए यानी कि जब भी हमारा जो वीक है आ, उसके साथ में एकदम इन सिंक रहें ठीक है चलो शुरू करते हैं सेशन ऑलीवुड वाई टी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ऑलीवुड ऐप जो है उसको डाउनलोड कर लेना लिंक जो है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है और ऐप आप पर आपको मॉक टेस्ट एंड कोर्सेज ये सब कुछ मिल जाएंगे और मेरे पेड़ कोर्सेज भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे ऑलीबुड ऐप पर एंड ऑलीवुड वाई टी चैनल पर डेली मेरी क्लास होती है बारह बजे और हर सैटरडे को हम करते हैं वीकली करंट अफेयर्स सबसे पहला क्वेश्चन है आप लोगों की स्क्रीन पर सभी लोग फटाफट से आंसर करो क्या होगा करेक्ट आंसर यहाँ पर क्वेश्चन है डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह हैज अप्रूव द क्रिएशन ऑफ हाउ मेनी एडिशनल न्यू सैनिक स्कूल अंडर द पार्टनरशिप मोड आपको पता है ट्रिपल पी मोड के ऊपर जो राजनाथ सिंह है उन्होंने कहा है कि राजनाथ सिंह ने बोला कि कितने नए एडिशनल सैनिक स्कूल्स हम लोग बनाने वाले हैं तो याद रखना राजनाथ सिंह जो कि डिफेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने अप्रूव किया है दैट वी आर गोइंग टू सेटअप ट्वेंटी थ्री न्यू सैनिक स्कूल इन पार्टनरशिप मोड और इस टाइप से इन ट्वेंटी थ्री के बाद में इसको ऑलरेडी जो यहाँ पर टोटल सैनिक स्कूल सोसाइटी अंदर जो इस टाइप के स्कूल्स चल रहे हैं उनकी संख्या यानी कि जो उनका नंबर है वो बढ़कर कितना हो जाएगा फोर्टी टू हो जाएगा ऑब्जेक्टिव क्या है यहां पर देखो अभी ऑलरेडी ऐसे आपके थर्टी थ्री सैनिक स्कूल्स ऑलरेडी फंक्शन कर रहे हैं उसमें आप तेईस नए सैनिक स्कूल पार्टनरशिप मोड पर ला रहे हैं जिससे ये जितने भी नए नए सैनिक मोड हैं या सैनिक स्कूल जो हैं ये बढ़कर कितनी हो जाएंगे फोर्टी टू यहाँ पर हो जाएंगे थर्टी थ्री सैनिक स्कूल ऑलरेडी फंक्शन कर रहे हैं इसी पैटर्न पर अब ये कह रहे हैं इनको टोटल कितने नए सैनिक स्कूल करने हैं ऐसे सौ सैनिक स्कूल इनको पार्टनरशिप मोड पर चाहिए जिससे ये क्वालिटी एजुकेशन स्टूडेंट्स को प्रोवाइड कर सके ऑन द लाइन विद नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 में आया था जिसमें एक नया स्ट्रक्चर यहाँ पर एजुकेशन फील्ड के अंदर दिया गया ताकि उनको बेटर अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकें नेक्स्ट ये आपका द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ रिसीव्ड हाउ मच रुपीज़ फ्रॉम एन टी पी सी एज अ डिविडेंट ट्रांच रिसेंटली अभी इनमें से एन को सेंट्रल गवर्नमेंट ने कितना पैसा दिया है डिविडेंड ट्रांच के तहत यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट को पैसा मिला है एन की तरफ से देखो क्या होता है कि जब भी किसी कंपनी के अंदर किसी दूसरी कंपनी के शेयर्स होते हैं तो उनको प्रॉफिट या जो उनके शेयर्स के ऊपर डिविडेंड मिलता है प्रॉफिट का कुछ एक पार्ट मिलता है क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट के के जो ओनरशिप या स्टेक्स हैं किसके अंदर एन टी नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन जो है ये एक सरकारी कंपनी है एन ऑवेसी बात है इसके अंदर सरकारी स्टेक्स सब सबसे ज्यादा है तो सरकार को जो डिविडेंड दिया गया फ्रॉम एनटीपीसी वो कितना था 1487 करोड़ रुपीस ये इनका पूरा फाइनल जो डिविडेंड है फाइनेंशियल ईयर 23 यानी कि पिछले साल का इधर दिया गया अब आप लोगों से मेरा क्वेश्चन ये है हाउ मच डिविडेंड हैज बीन गिवन बाय LIC टू सेंट्रल गवर्नमेंट LIC ने सेंट्रल गवर्नमेंट को कितना डिविडेंड दिया है फाइनेंशियल ईयर 23 के लिए क्या होगा करेक्ट आंसर मैम इसका भी नियर अबाउट सेम ही है बस थोड़ा सा ज़्यादा है इससे यानी कि एटीन थर्टी वन पॉइंट जीरो नाइन करोड़ रुपीज़ फाइनेंशियल ईयर ट्वेंटी फोर के लिए एल द्वारा किसको दिए गए हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं उनको चेक पकड़ा है किसने एल आई सी के चेयरपर्सन सिद्धार्थ मोहंती ने अब दूसरी चीज़ यहाँ पर हाउ मच डिविडेंड हैज़ बिन गिवेन बाय एस बैंक टू सेंट्रल गवर्नमेंट इसने कितना डिविडेंड दिया है एस ने हाउ मच डिविडेंड हैज been बाय बी आई बैंक टू सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर फाइनेंशियल ईयर ट्वेंटी थ्री अब आंसर क्या होगा मैम इसका तो काफी ज्यादा है ये तो हमने लिखा एल आई सी का और ये लिखा हमने एस बी आई का एस बी आई ने कितना दिया है मैम पांच हजार सात सौ चालीस करोड़ दैट मीन्स फाइव थाउजेंड सेवन हंड्रेड एंड फोर्टी करोड़ रुपीज फॉर फाइनेंशियल ईयर ट्वेंटी थ्री ठीक है नेक्स्ट है यहाँ पर आपका क्वेश्चन यूनाइटेड किंगडम हैज साइंड जॉइंट इन्वेस्टमेंट पैकेज विद विच कंपनी वर्थ वन पॉइंट टू फाइव बिलियन यूरो जो आपके वन पॉइंट फाइव फाइव बिलियन यू एस डॉलर के बराबर हैं टू सिक्योर द फ्यूचर ऑफ पोर्ट टेलबोर्ट ऑपरेशन इन वेल्स वेल्स के अंदर यूनाइटेड किंगडम में यहाँ पर जो फ्यूचर है पोर्ट टेलबोर्ड का उसको सिक्योर करने के लिए 1.25 बिलियन यूरोज दिए गए हैं तो आंसर क्या होगा टाटा स्टील को तो यूनाइटेड किंगडम ने एक जॉइंट इन्वेस्टमेंट पैकेज टाटा स्टील के साथ में साइन किया जिसका जो टोटल वर्थ था वो 1.55 बिलियन यूएस डॉलर था जिसमें गवर्नमेंट का ग्रांट भी इंक्लूडेड है जो कि 500 यूरो फाइव मिलियन यूरोज का है यानी कि सिक्स मिलियन U.S. डॉलर का है ताकि पोर्ट पोर टेल टेलबोट ऑपरेशन जो वेल्स में चल रहे हैं जो यहाँ की कंट्री की सबसे बड़ी स्टील वर्क कंपनी है टेलबोट ऑपरेशन वेल्स के अंदर वो यहाँ पर सिक्योर हो सके और स्टील मेकिंग इस जगह पर टेलबोट कंपनी जो है उसकी स्टील मेकिंग यहाँ पर प्रोडक्शन जो है वो बेटर हो सके नेक्स्ट है आपका विच कंपनी है साइन एम विद गवर्नमेंट ऑफ यूपी

ट्रांसपोर्टेशन है वो टोटली एनवायरनमेंट फ्रेंडली होना चाहिए इसका मतलब होता है ग्रीन मोबिलिटी अंडर द पार्टनरशिप अशोक ले लैंड द इंडियन फ्लैगशिप ऑफ हिंदुजा ग्रुप किसका पार्ट है हिंदुजा ग्रुप का पार्ट है तो ये बेसिकली इलेक्ट्रिक बसेज वगैरह यहाँ पर प्रोड्यूस करेंगे ग्रीन मोबिलिटी को यहाँ पर प्रमोट करने के लिए इन उत्तर प्रदेश स्टेट uh, और उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट क्या चाहती है प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट चाहती है नेट जीरो मिशन को अचीव करने के लिए नेक्स्ट है व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द ग्रास रूट क्रिप्टो अडोप्शन अकॉर्डिंग टू द चनलिसिस ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री ग्लोबल क्रिप्टो इंडेक्स ग्लोबल क्रिप्टो अडॉप्शन इंडेक्स के तहत चैनलिस फॉर्म जो है उसने बताया कि इंडिया के अंदर इंडिया का रैंक क्या है ग्रासरूट क्रिप्टो अडोप्शन में तो आंसर क्या होगा थैंक यू नितिन थैंक यू सो मच सी ये जो आपकी वीकली क्लासेस हैं ये पूरा का पूरा वीक जो आपने या कई बार क्या होता है थोड़ा सा लेट हो जाता है तो पिछले दो वीक में जो आपने पढ़ा उसका आपका रिविज़न हो जाता है ना अब से मैं कोशिश करूँगी गाइज़ कि चाहे भले ही आप लोगों का एग्ज़ाम हो मैं रिकॉर्ड करके डाल दूँ बट एटलीस्ट मैं टाइम टू टाइम आपका वीकली करंट अफेयर्स जाता रहे ताकि आपका रिविज़न सन्सियर कैंडिडेट जो हैं उनका रिविज़न किसी भी वजह से अफेक्ट ना हो ठीक है अब इसलिए नहीं मैंने कराया था क्योंकि एग्जाम देने जा रहे थे ज़्यादातर स्टूडेंट और वो कहते कि मैम लाइव क्लास में ज़्यादा अच्छे से याद रहता है तो इस वजह से मैंने नहीं लिया था अभी इसको आज पूरा करेंगे चाहे हमें डेढ़ घंटा लग जाए बट ये जो दस दिन का यहाँ पर पूरा डेटा है ये अच्छे से हम करेंगे दस से बारह दिन का इंडिया ने रैंक किया गया है इंडिया को फर्स्ट में ग्रास रूट क्रिप्टो अडोप्शन में एंड यहाँ पर आपको याद रखना है कि चैनलिसिस एक फॉर्म है जो क्या निकालती है इस टाइप का क्रिप्टो अडोप्शन इंडेक्स निकाला है ग्लोबल क्रिप्टो अडोप्शन इंडेक्स के नाम से तो कल को अगर पूछता है कौन सी ऑर्गेनाइजेशन निकालती है दैट इज चैनलिस हमारी कंट्री फर्स्ट रही है फोर पैरामीटर्स के अंदर यानी कि सेंट्रलाइज सर्विस वैल्यू रिसीव जो रिटेल सेंट्रलाइज सर्विस वैल्यू रिसीव हुआ है उसमें डेफी क्या है दिस इज अ टाइप ऑफ अ कॉइन डेफी वैल्यू रिसीव एंड रिटेल रेफी वैल्यू रिसीव इन चार पैरामीटर्स के हिसाब से हम फर्स्ट पर रहे हैं पिछले साल लास्ट ईयर इंडिया की रैंक कितनी थी फिफ्थ थी लेकिन इस बार मैं बात करूँ कि देखो फर्स्ट पे तो इंडिया आया है लेकिन सेकेंड पे कौन सा आया तो सेकेंड पर एक कंट्री है नाइजीरिया ठीक है तो नाइजीरिया कंट्री आई है देन उसके बाद में वियतनाम है एंड उसके बाद में फोर्थ नंबर पर यूएस एंड फिफ्थ नंबर पे रहा यूक्रेन इन क्रिप्टो अडोप्शन के केस में नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर आपका इसके अलावा देखो आपको बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें आजकल पूछता है जैसे कि पूछ सकता है कि गवर्नमेंट हैज़ इंट्रोड्यूसड ट्रिंज इन रूल्स की थर्टी टैक्स लगता है ऑन गेंस एंड वन परसेंट लगता है क्रिप्टो ट्रेड्स पर तो अगर मान लीजिए क्रिप्टो करेंसी का आप ट्रेड कर रहे हैं खरीद रहे हैं बेच रहे हैं तो एक परसेंट कटेगा और जो भी इस पर आपका प्रॉफिट होता है मान लीजिए क्रिप्टो करेंसी आपने बेचा और आपको सपोज करिए कि वो बेचने में आपने जो खरीदा था और जब बेचा उसके अंदर सपोज करिए करिएसेंट टैक्स आपको, तो आपको गवर्नमेंट को देना पड़ेगा इंडिया के अंदर अभी रिसेंटली डिजिटल इंट्रोड्यूस किया गया है कि जो भी आपके वर्चुअल होते हैं जैसे क्रिप्टो करेंसी वगैरह टैक्स अट्रैक्ट होगा यूएस न्यूज एंड वर्ल्ड रिपोर्ट्स एनुअल बेस्ट रैंकिंग के अंदर स्विट्जरलैंड फर्स्ट पे रहा हैनले पासपोर्ट इंडेक्स के अंदर इंडिया यहां पर 80th रैंक पर टॉप बाय सिंगापुर यहां पर एंड वर्ल्ड मोस्ट पावरफुल मिलिट्री स्ट्रॉन्गेस्ट किसका बताया गया यूएसए का फॉलोड बाय रशिया थर्ड पर चाइना एंड फोर्थ पर इंडिया एंड फिफ्थ पर यूके वीकेस्ट किसका बताया गया भूटान का बेनिन बुलदोवा सोमालिया और ब्रिया यानी कि सबसे वीकेस्ट भूटान के अंदर फिर अगर बात करते हैं ग्लोबल पीस इंडेक्स की इंडिया की रैंक वन ट्वेंटी सिक्स टॉप बाय आइसलैंड एंड लास्ट कौन रहा अफगानिस्तान ग्लोबल कॉम्पिटेटिवनेस इंडेक्स की बात करें तो यहाँ पर इंडिया रैंक रहा फोर्टी डेनमार्क टॉप किया और सबसे लीस्ट कौन आया वेनेजुएला नेक्स्ट है आपका प्राइवेट लाइफ इंश्योर मैक्स लाइफ इंश्योरेंस हैज लॉन्च आ न्यू हेल्थ प्लान कॉल्ड सेवा आपसे पूछ रहा है सेवा के अंदर डब्ल्यू का मतलब यहाँ पर क्या है करेक्ट आंसर इधर क्या होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर वेलनेस मैक्स लाइफ इंश्योरेंस एंड टर्ड हेल्थ वेलनेस सेगमेंट विद न्यू प्लान सेवा सेवा नाम का एक नया प्लान आया है मैक्स लाइफ इंश्योरेंस का मैक्स लाइफ इंश्योरेंस दिस इज़ अ प्राइवेट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी जिसने यहाँ पर सेवा जो निकाला है इसका फुल फॉर्म क्या है सिक्योर अर्निंग्स एंड वेलनेस एडवांटेज जिसमें आपकी अर्निंग सिक्योर की जा रही है आपकी वेलनेस की एडवांटेज के साथ में यानी कि सेवा प्लान के अंदर आपका जितना भी हॉस्पिटलाइजेशन का खर्चा होगा अगर मान लीजिए कि कोई ऐसा पर्सन है जिसने ये पॉलिसी लिया हुआ है आई में उसको रहना पड़ा उसका खर्चा सर्जरी क्रिटिकल इलनेस हो गई डिसेबिलिटी हो गई मतलब लाइफ इंश्योरेंस के अलावा लाइफ कवरेज के अलावा ये हॉस्पिटलाइजेशन का खर्चा भी देंगे आईसीयू स्टे का भी देते हैं सर्जरी भी कवर्ड है क्रिटिकल इलनेस भी कवर्ड है प्लस यहाँ पर अभी इन्होंने इंश्योरेंस अडॉप्शन वेमेन और ट्रांसजेंडर कस्टमर्स में लाने के लिए एज दे आर पार्ट ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन इन्होंने ऑफर किया है फाइव डिस्काउंट वेमेन एंड ट्रांसजेंडर कस्टमर्स को उनके पहले ईयर के प्रीमियम के लिए अब एक चीज़ और है आपसे मेरा कि ये बताइए मैक्स लाइफ इंश्योरेंस जो है इसको एडा ने उसके स्टेट इंश्योरेंस प्लान के तहत यहाँ पर एक स्कीम चल रहा था स्टेट इंश्योरेंस प्लान नाम का तो उसके तहत यहाँ पर एडा जो है उसने मैक्स लाइफ इंश्योरेंस को कौन से स्टेट या यूटी का लीड इंश्योरर बनाया तो आंसर क्या होगा वेरी नाइस nice, बहुत अच्छी आंसर क्या होगा मैम मैक्स लाइफ इंश्योरेंस जो है ये किसका बनाया गया है यूपी का मैक्सिमम लोग यूपी में रहते हैं तो मैक्स लाइफ इंश्योरेंस भी यूपी के अंदर और अगर मैं आपसे पूछू चोलमंडलम चोल मंडलम चोल जर्नल इंश्योरेंस कंपनी कंपनी जो है ये कौन सी स्टेट या यूटी का लीड इंश्योरर बनाया गया है तो आंसर क्या होगा वेस्ट बंगाल लिबर्टी लाइफ इंश्योर लिबर्टी इंश्योरेंस कंपनी जो है ये कहाँ की बनाई गई है दिल्ली की है ना और महाराष्ट्र का किसको बनाया गया है टाटा ए आई जी नेक्स्ट है आपका वो हैज बीन अवॉर्डेड द प्रस्टिजियस शेवलियर दे और दे आर्ट्स दे एत्रे अब एक बात बताओ इन्होंने बोला आर्ट एक आर्टिस्ट है बहुत ही कमाल के फैशन डिजाइनर हैं जिनको गवर्नमेंट ऑफ फ्रांस ने अपना प्रस्टीजियस ऑनर इनको दिया है और फैशन डिज़ाइनर है नाम क्या है इनका मैम नाम से तो लग नहीं रहा फैशन डिज़ाइनर क्योंकि फैशन डिज़ाइनरों के तो नाम थोड़े से अतरंगी थोड़े डिफरेंट रहते हैं ये काफ़ी ना कॉमन नाम है राहुल मिश्रा ठीक है तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर इंडिया के फेमस फैशन डिज़ाइनर राहुल मिश्रा जो है उनको आर्ट एत देश लेत्रस जो है ये ऑर्डर यहाँ पर किसने दिया है ये ऑनर दिया है फ्रांस गवर्नमेंट ने नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इन क्या होगा तो ये जो ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री का आई जी नोबल प्राइज है मैकेनिकल इंजीनियरिंग कैटेगरी के अंदर साइंटिस्ट फ्रॉम इंडिया चाइना मलेशिया एंड यूएस यानी कि चार ये ऐसे रिसर्चर्स हैं अलग अलग कंट्री से एक इंडियन रिसर्चर है इंडिया से हैं एक चाइना से एक मलेशिया एक यू से हैं जिनको इस बार का आई जी नोबल प्राइज़ जो है जिसको कहा जाता है कि ये साइंटिफ़िक ह्यूमर और साइंटिफिक फील्ड्स के अंदर ये प्राइज़ दिया जाता है एंड ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग कैटेगरी में इनको दिया गया अब इनको नाम याद रखने ज़रूरी है जैसे कि एक है आपके तेफाइक एक है जैन जैनल्यू एक है अनूप राजन और एक कौन है ट्रेवर शिमोकूसू तो ट्रेवर शिमोकूसू फ्राम यूएस इंडिया से आपके अनूपराजपन ठीक है मलेशिया से हैं ते फेब याप और जेन ल्यू जो है फ्राम चाइना नेक्स्ट है आपका विच आई आई टी रिसर्चर्स हैव डेवलप्ड फार्मासूटिकल एंड फूड प्रोडक्ट्स फ्राम टी वेस्ट फैक्ट्री या टी फैक्ट्री वेस्ट जो होता है ना उससे ये कह रहे हैं कि यहाँ पर ना जो चाय की फैक्ट्रियों के अंदर जो पत्ते सड़ जाते हैं बच जाते हैं मतलब वेस्ट हैं कूड़ा है एक तरीके से वो सूख गए हैं जो भी है इस टाइप का उसको ये लोग यहाँ पर क्या करेंगे जो भी ऐसे फार्मास्यूटिकल और फूड प्रोडक्ट्स जो हैं ये बनाएंगे टी फैक्ट्री वेस्ट से ये किसने कहा है आई आई टी गुवाहाटी के रिसर्चर्स ने कहा है अभी एक रिसेंट स्टडी हुई थी जिसमें बोला गया कि टी जो है वन ऑफ द मोस्ट वाइडली कंज्यूम बेवरेज वर्ल्ड वाइड में से मानी जाती है वर्ल्ड टी कंजम्पशन 6.3 मिलियन टन पहुंच चुका है और 2025 तक 2025 तक ये इंक्रीज़ होकर हो जाएगा 7.4 मिलियन टन इस क्लास के पीडीएफ के लिए जिस भी स्टूडेंट को ये पीडीएफ चाहिए आपको ज्वाइन करना है मेरा टेलीग्राम चैनल आपको जाना है टेलीग्राम पर वहाँ पर लिखना है शीतल शर्मा मैम एंड देर यू विल फाइंड मोर देन 48.4 एट पॉइंट फोर के सब्सक्राइबर्स यानी कि फोटी एट थाउजेंड से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हैं यहाँ पर इधर ज्वाइन कर लेना यहाँ पर पी डी एफ मिल जाएगा जब भी मेरी क्लास होती है तो मैं लिंक प्रोवाइड कर देती हूँ वहाँ से आप आसानी से क्लास ज्वाइन कर सकते हैं नेक्स्ट डे आपका और इसके अलावा मेरे पेड कॉर्स को ज्वाइन करने के लिए भी लिंक मैं इधर दे देती हूँ हैज़ लॉन्च द स्किल्स ऑन व्हील्स इनिशिएटिव टू ट्रांसफॉर्म वोकेशनल एजुकेशन इन सेकेंडरी स्कूल्स अक्रॉस इंडिया आंसर क्या होगा धर्मेंद्र प्रधान धर्मेंद्र प्रधान जो कि हमारे स्किल डेवलपमेंट एंड एजुकेशन मिनिस्टर हैं इन्होंने और जो लोकसभा स्पीकर हैं ओम बिरला इन दोनों ने मिलकर स्किल ऑन व्हील्स चलाए अब ऑब्वियस ऑब्वियसली बात है मैम स्किल्स की बात करेगा तो स्किल डेवलपमेंट मिनिस्टर तो होंगे ही ना इनाग्रेट करने के लिए बट अलॉन्ग विद हिम ओम बिरला भी यहाँ पर थे अब इन्होंने बोला कि जो टेंथ और ट्वेल्थ स्टैंडर्ड के जो स्टूडेंट्स होते हैं जो टेंथ और ट्वेल्थ क्लास के स्टूडेंट होते हैं उनको ये रीच आउट करेंगे कि आप लोग करियर काउंसलिंग और स्किल ट्रेनिंग वगैरह इनको दिया जाए ताकि यहाँ पर जो हमारे देश के अंदर अनएम्प्लॉयड यूथ है या जो स्कूल और एजुकेशन स्कूल uh, या कॉलेज से ड्रॉप आउट कर लेते हैं उनको यहाँ पर स्किल्स देके उनको एम्प्लॉयबल कराया जाए कि उनको आगे चलकर कोई जो जॉब है अच्छी मिल सके तो ट्रेंड वोकेशनल इंस्ट्रक्टर्स ए कंपनी स्किल्स ऑन व्हील्स जैसे कि स्किल ट्रेनिंग दिया जा रहा है वेल्डिंग प्लम्बिंग इलेक्ट्रीशियन के लिए जो इलेक्ट्रिकल वायरिंग फूड प्रोसेसिंग बेसिक हेल्थ केयर एंड मोबाइल रिपेयर्स जैसी ये स्किल्स सिखाई जा रही हैं नेक्स्ट है आपका विच आई टी हैज डिज़ाइंड एन एम ओ यू विथ प्राइवेट लेंडर आई सी आई सी आई बैंक टू सपोर्ट द स्टार्टअप इको सिस्टम इन द इंस्टीट्यूट ठीक है आंसर क्या होगा वेरी नाइस करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आई आई टी कानपुर आई आई टी कानपुर हैज़ साइंड एम ओ यू विद प्राइवेट लेंडर प्राइवेट लेंडर कौन है प्राइवेट बैंक है मैम आई सी आई सी आई बैंक तो आई आई टी कानपुर और एक तरफ से आई सी आई सी आई बैंक दोनों ने साथ में मिलकर क्या कह रहे हैं कि यहाँ पर जो आई आई टी कानपुर और आई सी आई सी आई बैंक है ये स्टार्टअप इको सिस्टम यहाँ पर बेटर करना चाहते हैं तो इस पार्टनरशिप के थ्रू ये क्या बनाना चाहते हैं यहाँ पर स्टार्टअप और इनोवेटर्स के लिए इनका जो स्टार्टअप इंक्यूबेशन एंड इनोवेशन सेंटर है उसको यहाँ पर मजबूत करना चाहते हैं ये जो स्टार्टअप इंक्यूबेशन एंड इनोवेशन सेंटर है इट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट इंक्यूबेटर इन द कंट्री जिसको यहाँ पर इन द ईयर टू के अंदर इसको लॉन्च किया गया था वहाँ से इसकी जर्नी शुरू हुई है नेक्स्ट है आपका डी एम आर सी है साइंड एंड एम ओ यू विद विच कंपनी टू डेवलप एंड इंडिजीनियस कॉम्युनिकेशन बेस्ड ट्रेन कंट्रोल सिस्टम इंडिजिनियस मतलब भारत के अंदर ही स्वनिर्मित किया जाएगा मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के तहत इंडिया की टेरिटरी में ही सब कुछ बनाया जाएगा डिजाइन किया जाएगा in जहां पर आप, uh, या बात करके पर उसको किया जा सकता है तो करेक्ट आंसर क्या होगा बेल बेल क्या है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड डू नॉट गेट कंफ्यूज विद बेल बेल हैवी लिमिटेडीडस्ट्रीज लिमिटेड से रिलेटेड मेट्रो रेल कॉरपोरेशन और, और मतलब भारत दोनों साथ में मिलकर कम्युनिकेशन बेस्ड ट्रेन कंट्रोल सिस्टम यहां पर लेके आ रहे हैं जिसके लिए इन्होंने एमओयू साइन किया है अब इससे ये रेल ट्रांसपोर्टेशन के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन करना चाहते हैं ड्राइविंग इनोवेशन के साथ साथ कॉस्ट रिड्यूस करना चाहते हैं ट्रेन कंट्रोल सिग्नल सिस्टम जो है उसमें सेल्फ रिलायंस लाना चाहते हैं जिससे यहाँ पर ट्रेन ऑपरेशन जो है ऑप्टिमाइज हो सके ज़्यादा इनकी फ्रिक्वेंसी हो, हो सके कि बहुत सारे इस टाइप के यहाँ पर डिफरेंट uh, मेट्रोज जो हैं उनके रूट बनाए जा सके उनको भेजा जा सके कस्टमर्स को और भी ज़्यादा सर्विसेज मिल सके नेक्स्ट है आपका सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च द यू प्लेटफॉर्म फॉर द मैनेजमेंट ऑफ एग्रीकल्चर डेटा एग्रीकल्चर डेटा को मैनेज करने के लिए उसके प्रबंधन के लिए यू प्लेटफॉर्म जो है वो लॉन्च किया गया आपसे पूछ रहा है बट इज़ द Of you in UPG, तो उसके लिए यूपीएची का फुल फॉर्म हमें पता होना चाहिए मैम यू का मतलब है है यूनिक पी का मतलब है पोर्टल और एजी का मतलब क्या है बात है एग्रीकल्चर की बात करें तो एग्रीकल्चर की सबसे आगे A और जी तो आता है तो यूपीए मतलब दिस इज अ यूनिफाइड पोर्टल फॉर एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक्स तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर यू से मतलब यूनिफाइड है ठीक तो है तो यूनिफाइड पोर्टल फॉर एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक्स दैट इज द फुल फॉर्म ऑफ यू पी एजी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है एग्रीकल्चर डेटा सारा कुछ यहाँ पर मिलेगा उसको यहाँ पर यह मैनेज कर सकते हैं इसको डेवलप किसने किया? किया है ना दैट इज इंपॉर्टेंट इसको डेवलप किया है एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री एंड फार्मा वेलफेयर मिनिस्ट्री ने ऑब्वियस ही बातें मैम जब एग्रीकल्चर से रिलेटेड है तो यही मंत्रालय देखेगा बट दिस वॉज लॉन्च्ड बाय नी नीति आयोग मेंबर रमेश चंद अब आपसे क्या पूछा जा सकता है आपसे पूछा जा सकता है कि इसमें क्या क्या किया जाएगा तो मैम इस प्लेटफॉर्म को डिज़ाइन किया गया है तो टू जनरेट क्रॉप एस्टिमेट क्रॉप से रिलेटेड जो डिफरेंट अनुमान होते हैं जैसे उसका प्राइस क्या है ट्रेड क्या है प्रोक्योरमेंट कैसे होगा उसका स्टॉक कहाँ रखा जाएगा उसको किधर स्टोर करके रखा जाएगा ये सारी चीज़ें इस प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल होगी कि एक पर्टिकुलर क्रॉप जो है किस प्राइस पर कैसे ट्रेड हो रही है प्राइस क्या है उसका ट्रेड किस हिसाब से हो रहा है प्रोक्योरमेंट उसका कौन कर रहा है स्टॉक्स किसके पास में है पूरा उसका स्टोरेज कहाँ पर है यू बी पोर्टल वॉज एनवर्साइज्ड एज अ पब्लिक गुड वेयर यूजर्स विल बेनिफिट बाय रिड्यूस सर्च कॉस्ट एंड फिक्सन टू क्रेडिबल ग्रैनुअल ऑब्जेक्टिव डेटा मतलब एक जगह पर एकदम क्रेडिबल एकदम भरोसेमंद डेटा मिल जाएगा और उनको ज्यादा कोई कॉस्ट भी अर्निंग करना पड़ेगा क्योंकि दिस इज फ्री ऑफ कॉस्ट वहां पर उनको सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा नेक्स्ट है द लास्ट डीजल रन डबल डेकर बस ऑफ मुंबई रिटायर डीजल पर चलने वाली डबल डेकर बस जिसमें नीचे और ऊपर दोनों जगह पर सिटिंग एरिया होता है तो इन्होंने बोला वो रिटायर कर दिए तो आपसे पूछ रहा है कि पहली बार ये डबल डेकर बस जो है ये कहाँ पर चली है मुंबई के अंदर क्योंकि अभी आपको पता होगा कि इस टाइप की डीजल के ऊपर चलने वाली डबल डेकर बस इसको हटा कर हाइड्रोजन पावर डबल डेकर बस लॉन्च की गई है तो मुंबई के अंदर जो आपका बेस्ट है यानी कि बेस्ट का फुल फॉर्म है ब्रिहन मुंबई ब्रिहन मुंबई इलेक्ट्रिक सप्लाई एंड ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग जो बेस्ट नाम की बसेस चलती हैं ना यहाँ पर तो वो हैं तो मुंबई में सबसे पहली बार 1937 में ये डीजल पर चलने वाली जो ये जो बसेज हैं ये चलाई गई थी अभी आपको पता है कि यहाँ पर टोटल 900 हंड्रेड डबल डेकर बस सर्विसेज जो हैं वो मुंबई के लोगों को जुलाई ट्वेंटी तक मिल जाएंगी एंड हाइड्रोजन ऑपरेटेड और ई यानी कि इलेक्ट्रिक बसेज जो हैं यहाँ पर वो चलाई जा रही हैं तो इन्होंने बोला कि नई बैटरी ऑपरेटेड डबल डेकर बस लेके आ रहे हैं और साथ ही में आपने देखा होगा कि इस टाइप की यहाँ पर हाइड्रोजन पावर्ड बसेस भी लाई जा रही हैं बट फिलहाल में उनको रिप्लेस किया जा रहा है डीजल वालियों को किसके साथ में इलेक्ट्रिक वाली के बसेस के साथ में नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी हैज ऑर्गेनाइज has organized the fourth and final G20 framework working group meeting under India's presidency. अच्छा हाँ ये क्वेश्चन बनता है when are we planning in, in India डीजल एलिमिनेशन बाय ईयर टोटल बैन जो है डीजल व्हीकल्स तक कब तक हम प्लान करके चल रहे हैं तो आपको पता होगा कि मई 2023 के अंदर उसी के अराउंड गवर्नमेंट ने ये एक गवर्नमेंट पैनल है उसने ये रेकमेंड किया था कि जितने भी ऑल डीजल फोर व्हीलर्स, चार पहिया, जितने भी डीजल वाहन हैं इनको 2027 तक ऑफ द रोड कर देंगे मतलब डीजल व्हीकल्स हटा दिए जाएंगे बाय अ वेरी लार्ज नंबर इन इंडिया इनको हटाने का इनका प्लान है ठीक है यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा रायपुर छत्तीसगढ़ फोर्थ एंड फाइनल जी ट्वेंटी फ्रेमवर्क वर्किंग ग्रुप मीटिंग जो है इज ऑर्गेनाइज इन रायपुर छत्तीसगढ़ मोर देन सिक्सटी फाइव डेलीगेट्स फ्रॉम जी ट्वेंटी मेम्बर्स एंड इन्वाइटिंग कंट्रीज़ यहाँ पर इन्होंने पार्टिसिपेट किया बट मेनली याद रखना है कि मैम जी ट्वेंटी का फ्रेमवर्क वर्किंग ग्रुप मीटिंग पूछेगा तो फ्रेमवर्क सबसे अच्छा कहाँ पर है रायपुर छत्तीसगढ़ में राय फ्रेम करना बड़ी आसान चीज़ है है ना ओपिनियन फ्रेम करना राय फ्रेम करना यहाँ पर बहुत ही आसान है क्योंकि फाइनल फ्रेमवर्क मीटिंग जो हुई वो रायपुर छत्तीसगढ़ में हुई नेक्स्ट है आपका मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना अभी तक तो लाडली बहना योजना चल रही थी अभी तक तो लाडली लक्ष्मी योजना चल रही थी अब लाडली बहना आवास योजना भी शुरू कर दिया मध्य प्रदेश ने ये सारी लाडली बहना लाडली लक्ष्मी कौन शुरू करता है एमपी शुरू करता है तो शिवराज सिंह चौहान ने ये लाडली बहना आवास योजना भोपाल एमपी के अंदर लॉन्च किया इन्होंने बोला कि बेसिकली जो महिलाएं हैं जिनकी फैमिलीज़ को यहाँ पर डिफरेंट हाउसिंग स्कीम के तहत घर नहीं मिल पाया है उनको हाउसिंग फैसिलिटी ये लोग देंगे एप्लीकेशंस फाइल करने के लिए इन्होंने सत्रह सितंबर से लेकर पाँच अक्टूबर की डेट रखी इन्होंने बोला प्रधानमंत्री आवास योजना रूरल यानी कि जो ग्रामीण वाली योजना है उसमें जो नहीं आते हैं या फिर आवास प्लस ऐप पोर्टल पर जिनका कोई नाम नहीं है एम पोर्टल पर उनका कोई नाम नहीं है या टोटली रिजेक्ट किए जा चुके हैं वो हमारे पास में आ जाओ उनको घर हम दिला देंगे इफ़ यू आर अ नेटिव ऑफ मध्य प्रदेश एम है ना अब इन्होंने बोला कि जो भी सोशल इकोनॉमिक कास्ट सेंसस दो में हुआ था उस लिस्ट में नहीं है आवास प्लस की लिस्ट में नहीं है किसी भी सेंटर या स्टेट लेवल की हाउसिंग स्कीम में कोई बेनिफिट को नहीं मिला है तो हम दिलाएंगे ऐसी एक स्कीम छत्तीसगढ़ में भी शुरू हुई है क्या नाम है उस स्कीम का छत्तीसगढ़ वालों ने भी यही बोला है कि अगर तुम्हारा कहीं नाम नहीं है तुम्हें कहीं घर नहीं मिला है तो रूरल एरियाज में तुमको हम घर दिलाएंगे ठीक है और नाम क्या दिया इन्होंने इसको मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास न्याय योजना मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास न्याय योजना यानी कि रूरल एरियाज में प्रोवाइड कर रहे हैं ठीक है अब रीसेंट कुछ एक स्कीम और कैंपेन एमपी गवर्नमेंट ने जो लॉन्च की जैसे लाडली बहना योजना अच्छा लाडली बहना योजना के अंतर्गत पहले इन्होंने कितने पैसे प्रॉमिस किए थे कि मंथ में इनको कितना यहाँ पर जो अलाउंस है या कह सकते हो फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाएगा और अभी फिलहाल में यहाँ पर इसको बढ़ा कर कितना कर दिया गया है जितने भी लोग क्लास के अंदर प्रेजेंट है वीडियो को लाइक कर दो चैनल को सब्सक्राइब कर दो ठीक है हाँ, पहले बोला था हजार रुपये अभी कितना कर दिया है बारह सौ पचास पहले कितना बोला था वन थाउजेंड बोला था जिसको बढ़ाकर कितना कर दिया है बारह सौ पचास ठीक है फिर ये कह रहा है सी एम लर्न एंड अर्न स्कीम यहाँ पर लॉन्च किया गया रेजिडेंशियल लैंड राइट स्कीम रूरल एरियाज में उनको लैंड प्लॉट्स भी देंगे ये लोग और घर बनाने के लिए कंस्ट्रक्शन के लिए भी पैसे देंगे लाडली लक्ष्मी स्कीम 2.0 पॉइंट यहाँ जो गर्ल चाइल्ड हैं उनके पेरेंट्स को यहाँ पर फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाएगा लॉन्च पैड स्कीम पंख अम्बियान सिकल सेल मिशन जिसको 2047 तक एलिमिनेट करने का जो अभियान है वो नरेंद्र मोदी जी ने कहाँ से लॉन्च किया था एम से ही लॉन्च किया था मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार योजना यहाँ पर लैंड राइट्स इनको यहाँ पर देने वाली ये पहली स्टेट बनी है या दूसरी स्टेट बनी है कौन सी स्टेट बनी है प्लस इसके साथ में अगर मैं आप लोगों से पूछूँ कि भोपाल जो है उसने अभी रिसेंटली कौन से ऐसे गोल्स हैं जिनका लोकलाइजेशन करने की बात किया तो आंसर क्या होगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स टोटल हाउ मेनी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स आदि अच्छा कितने लोग चाहते हैं कि मैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में एक याद रखने के लिए गोल नंबर वन टू थ्री फोर इस टाइप से जो टोटल सेवेंटीन गोल्स होते हैं इसको याद रखने के लिए कोई ट्रिक आप लोगों के लिए अगर क्रिएट कर सकूँ क्योंकि एस एस सी और बैंकिंग एग्जाम्स में भी कई बार क्वेश्चन आ चुका है वट इज़ द गोल नंबर वन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल या गोल फिफ्थ ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है ना अगर आप लोगों को ये लगता है तो मैं इसको कर सकती हूँ नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग रेलवे स्टेशन वॉज रीनेम्ड आफ्टर कैप्टन तुषार महाजन तुषार महाजन जी के नाम पर कौन सा रेलवे स्टेशन रखा गया है मैम ऊधमपुर रेलवे स्टेशन जो है वो रखा गया है शहीद कैप्टन तुषार महाजन जी के नाम पर ठीक है अब यहाँ पर ये अनाउंसमेंट किसने किया यूनियन मिनिस्टर जो है जितेंद्र सिंह उन्होंने अब ये जो उधमपुर है रेलवे स्टेशन ये कौन से स्टेट या यूटी में आता है तो आंसर क्या होगा अभी तुषार महाजन जो है ये आपके इंडियन आर्मी के ऑफिसर थे एंड ही वॉज द शहीद हुए कश्मीर के अंदर ये उधमपुर रेलवे स्टेशन जम्मू एंड कश्मीर में आता है नेक्स्ट रोल्ड आउट ऑफ आई बी साथी इनिशिएटिव एम डेट प्रोवाइडिंग एन इंटीग्रेटेड इको सिस्टम फॉर ऑल स्टेक होल्डर इन द फाइनेंशियल सेक्टर थ्रू द बिजनेस रूट अच्छा यह बताओ थोड़ा सा स्पीडअप करें मैं ना एक स्टोरी की तरह तुम्हें पूरा बता दूंगी स्टोरी विद लॉजिक एंड ट्रिक ट्रिक में लॉजिक होगा स्टोरी होगी हर एक गोल एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होगा ठीक है चलो स्पीड विद डिटेल करते हैं तो जैसे मैं पहले पढ़ाती हूँ आज ना थोड़ा सा क्या है ना कि आज आई थिंक श्राद्ध एंड हुए हैं तो पूड़ियाँ खा ली हैं <laughs> बोला नहीं जा रहा है और वैसे भी कमज़ोरी होती है खीर और पूरी बिकॉज आई ब्राह्मण अ और है कुछ दिक्कत पंडितों का कि इन्हें पूरी और खीर दिख जाए तो ये लोग रोक नहीं पाते खुद को तो मैं भी रोक नहीं पाई खुद को एंड नाउ आई एम नॉट एबल टू इवन स्ट्रीम इतना ज़्यादा हो चुका है मेरा इसलिए कहते हैं थोड़ा कम खाना चाहिए ताकि थोड़ा स्पेस बचे बंदा शरीर से एनर्जी तो निकाल सके एनर्जी रुक गई है एनर्जी दब गई है उसके नीचे कोई बात नहीं पहले वाला जो इलेक्ट्रिक करंट है वो लेके आती हूँ मैं स्टार्ट करते हैं <laughs> चलो शुरू करते हैं आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आंसर हो जाएगा इंडियन बैंक इंडियन बैंक जो है उसने आई बी साथी इनिशिएटिव यहाँ पर लॉन्च किया है प्लस आपको जो याद रखना है कि ये आई बी साथी के अंदर जो पूरा फुल फॉर्म है आई बी का मतलब इंडियन बैंक साथी का मतलब है सस्टेनेबल एक्सेस एंड अलाइनिंग टेक्नोलॉजी फॉर हॉलिस्टिक इंक्लूजन हॉलिस्टिक इंक्लूजन हर तरीके से हर डायमेंशन से लोगों को इंक्लूड करना है उनका समावेश इनको चाहिए जिसके लिए ये क्या यूज करने वाले हैं टेक्नोलॉजी को यूज करने वाले हैं ताकि सस्टेनेबल एक्सेस सबको मिले और साथ में टेक्नोलॉजी

बनाया गया है ब्रांच बनाया गया है वो और एक बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट जो होते हैं एज एन एजेंट यहाँ पर काम करते हैं नेक्स्ट है आपका हु हैज बीन इलेक्टेड एज द चेयरमैन ऑफ द ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन फॉर फाइनेंशियल ईयर ट्वेंटी करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा इधर श्रीनिवासन के स्वामी तो आर के स्वामी जो है यहाँ पर हंसा ग्रुप एग्जीक्यूटिव हैं श्रीनिवासन के स्वामी उन्हों उनको इलेक्ट किया गया है एज द चेयरमैन ऑफ ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन इस साल के लिए जो ये करंट ईयर चल रहा है इसके लिए इसमें ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है डायरेक्ट आएगा क्वेश्चन आएगा तो नेक्स्ट है इनमें से कौन सी पहली महिला सर्जन बनी है जो इलीट पैरा स्पेशल फोर्सेज इंडियन आर्मी के अंदर जिन्होंने ज्वाइन किया है करेक्ट आंसर क्या होगा पायल छाबड़ा मेजर पायल छाबड़ा जो है सर्जन है आर्मी हॉस्पिटल लद्दाख में लगी हुई हैं तो पार पायल छाबड़ा को बोला कि अपनी पायल लेके आ जाइए सीधा कहां पर सर्जरी करने लद्दाख में है अब नेक्स्ट हैवर्नमेंट द ग्रांटिंग ऑफ फिफ्टी थाउजेंड रुपीज टू द डॉटर्स ऑफ इंडस्ट्रियल वर्कर्स आर परसुंग हायर एजुकेशन टू बाई इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स मतलब अगर आपको इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स लेने हैं और उनको हायर एजुकेशन चाहिए कि दूर दराज के गांव में यू नो पढ़ने जाते हैं या फिर उनको आसपास के एरिया में थोड़ा दूर उनका घर पड़ता है तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आपको दिलाएंगे ताकि आप अपने कॉलेज जा सको हायर एजुकेशन ले सको तो ऐसे इंडस्ट्रियल वर्कर्स की जो बेटियां हैं उनको पचास हज़ार रुपये देने की बात किसने गई है हरियाणा सरकार ने हरियाणा के सी मनोहर लाल खट्टर ने ई e स्कूटर जो हैं वो प्रोवाइड करने के लिए इनको दिया जाएगा और इन्होंने कहाँ है स्कॉलरशिप अमाउंट जो है इंडस्ट्रियल वर्कर्स के जो जो फैक्ट्री में मजदूर टाइप होते हैं ना उनके बच्चों को यहां पर दिया जाएगा बैंकिंग जी रेवोल्यूशन बैच जो भी बच्चा एस बी आई पी ओ क्लर्क आई बी पी एस पी ओ मेंस टारगेट कर रहा है एक ही बैच चाहिए बार बार नहीं लेना चाहते हो दिस बैच इज़ देयर फॉर यू आपको शीतल कोड अप्लाई करना है टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट आई बी पी एस पी ओ मेन्स का एडवांस जी ए कैप्सूल ले सकते हो अगर आपको सिर्फ पी ओ की तैयारी करनी है पी ओ मेन्स की तैयारी करनी है और आर आर बी पी ओ इंटरव्यू बैच आप ले सकते हो जिसने भी यहाँ पर मेन्स क्लियर कर लिया है डू नॉट टेक रिस्क अप्लाई शीतल कोड एंड एनरोल इन द इंटरव्यू बैच बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट है इतना आगे आके और फिर लास्ट में मतलब उनके साथ बैठना जिनका प्री भी क्लियर नहीं हुआ बहुत डिसहार्टनिंग लगता है तो आई वुड एडवाइज़ यू कि मत करो ऐसा अब यहाँ पर हम बात कर रहे थे ना कि हरियाणा गवर्नमेंट क्या देने वाली है स्कॉलरशिप अमाउंट जो है पहले दस हजार रुपए के थे जिनको बढ़ाकर इक्कीस हजार रुपये कर दिया है क्लास नाइन से लेके जो यहाँ पर ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट परस्यू करना चाहते हैं और यहाँ पर जो स्कॉलरशिप अमाउंट पाँच का हुआ करता था उसको सात बढ़ा दिया है क्लास नाइन और टेन के बच्चों को और यहाँ पर ग्यारह से बढ़ाकर सोलह कर दिया है डिग्री वाले स्टूडेंट्स को जो डिग्री के लिए यहाँ पर पढ़ रहे हैं नेक्स्ट है आपका कुछ hospital has inaugurated india's first dedicated op ओपीडी फॉर द ट्रांसजेंडर कम्युनिटी ऑन द ओकेजन ऑफ पी एम नरेंद्र मोदी बर्थडे पहली बार ओपीडी ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए अलग से डेडिकेट किया गया है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का इस बार बर्थडे कब था हर साल मैम सत्रह सितंबर को है इस बार भी सत्रह सितंबर को ही था तो तभी यहां पर जो राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल है आर एम एल हॉस्पिटल जो है उन्होंने फर्स्ट डेडिकेटेड ओपीडी ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए इधर लॉन्च किया हर फ्राइडे को ट्रांसजेंडर्स के लिए ओपीडी सर्विस फ्री होगी यहां पर अवेलेबल होगी जिसमें

पता है तुम्हें से किसी को आंसर क्या होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा मैम एट परसेंट सब्सिडी यहां पर लोन्स पर दिया जाएगा देखो यूजुअली यहां पर जो भी कोलैटरल फ्री लोन्स दिए जाएंगे जिसके अगेंस्ट कोई आपसे उनसे कोई भी किसी भी टाइप की प्रॉपर्टी गिरवी नहीं रखी जाएगी कुछ कुछ भी उनसे एज अ सिक्योरिटी कोलाटरल के रूप में नहीं मांगा जाएगा तो इस टाइप के जो भी कोलाटरल फ्री लोन है वो इनको अफोर्डेबल इंटरेस्ट पर कितने पर मिलेंगे पांच पर मिलेंगे अब क्वेश्चन मेरा आप लोगों से यहाँ पर यह है कि इनिशियली कितने लाख रुपए इनको यहां पर मिलेंगे पांच के इंटरेस्ट

और ये वाला इनको ढाई साल के अंदर ठीक है इनको रीपे करना है तो इस हिसाब से पहले एक बार एक लाख मिल गए फिर दो लाख मिल गए इसका मतलब क्या है तीन लाख रुपए इनको टोटल इस पूरे ट्रांस में मिल जाएंगे और इनका जो मैक्सिमम सब्सिडी है कितने परसेंट का सब्सिडी दे रहे हैं आठ परसेंट का सब्सिडी मिल रहा है क्योंकि पाँच परसेंट के इंटरेस्ट रेट पर केवल और केवल मात्र पाँच परसेंट के इंटरेस्ट रेट पर क्या दिया जा रहा है कोलेट्रल फ्री लोन दिया जा रहा है अठारह एक्टिविटीज़ ट्रेड्स को कवर किया जा रहा है जैसे कारपेंटर गोल्ड स्मिथ मेस एंड स्टोन स्कल्प्टर बार्बर है बोट मेकर है, जिनको यहाँ पर अप टू थ्री लाख रुपीज़ तक का लोन दिया जाएगा दो में एक बार एक लाख का और एक बार दो लाख रुपए का ठीक है पंद्रह हज़ार का यहाँ पर ग्रांट मतलब मुफ्त में पंद्रह हज़ार रुपये दिए जा रहे हैं इनको एज आ टूल किट इंसेंटिव के तौर पर और डिजिटल ट्रांजेक्शन पर पर ट्रांजेक्शन इनको एक रुपया यहाँ पर दिया जाएगा और पंद्रह हजार रुपये का इनको क्या दिया जाएगा ई e वाउचर दिया जाएगा जिससे ये अपनी टूल किट यहाँ पर ख़रीद सकते हैं नेक्स्ट है Next, आपका विद स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च अ न्यू ई भूमि पोर्टल दैट प्रॉमिसेज़ टू फर्दर ईज द प्रोसेस ऑफ परचेजिंग लैंड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स विद द कंसेंट ऑफ लैंड ओनर्स करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पर मैम हरियाणा अभी तो बात की हरियाणा गवर्नमेंट ई स्कूटीज के लिए पचास हज़ार रुपए दे रही थी मैम इंडस्ट्रियल वर्कर्स की बेटियों को बेटों को नहीं बेटियों को ठीक है अभी तुम्हें कुछ टाइम लगेगा जब तुम्हारे ऊपर फोकस किया जाएगा अभी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ चल रहा है कुछ टाइम बाद तुम्हारे ऊपर भी फोकस किया जाएगा वे स्टेट गवर्नमेंट कौन सी स्टेट गवर्नमेंट जिन्होंने ई भूमि पोर्टल लॉन्च किया है ताकि यहाँ पर लैंड परचेज करने का जो प्रोसेस है वो ईज हो सके यहाँ पर जिसमें लैंड ओनर्स की कंसेंट उनकी मंजूरी के साथ में गवर्नमेंट यहाँ पर अपने प्रोजेक्ट्स के डेवलपमेंट के लिए उनका जो लैंड एरिया है वो परचेज़ कर सकती है दैट इज़ हरियाणा गवर्नमेंट नेक्स्ट है आपका विच कंट्री हैज़ होस्टेड द फर्स्ट यूनाइटेड नेशंस कमीशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड लॉ साउथ एशिया कॉन्फ्रेंस तो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा हाँ हरियाणा गवर्नमेंट ने यह भी बोला है कि जो भी इस टाइप के पदम इज है पद्मश्री पदम विभूषण पदम जिनको मिला है उनको दस हजार रुपये यहाँ पर मंथली पेंशन ये लोग देंगे अच्छा मंथली पेंशन देंगे या दस हजार रुपये एक ही बारी में मिलेंगे उनको टेन थाउजेंड रुपीज दिए जाएंगे या मंथली बेसिस पर दिए जाएंगे या वन टाइम टेन था, थाउजेंड रुपीज दिए जाएंगे बताओ जरा आंसर क्या होगा देखो अभी एक क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पर है कि पहला यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड लॉ साउथ एशिया कॉन्फ्रेंस किसने होस्ट कराया है यहाँ पर इंडिया ने होस्ट कराया है ठीक है ये आपको याद रखना है तीन दिन का कॉन्फ्रेंस था नई दिल्ली में यहाँ पर इनोग्रेट इसको किया गया था और क्या सेलिब्रेट कर रहे थे पचास ईयर ऑफ यूनिसेट्रल यानी कि सबसे पहला टू के अंदर इंडिया ने क्या किया था पहली बार इसको होस्ट किया था नेक्स्ट है आपका फोर्टीन एडिशन ऑफ द वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस वॉज

मसालों के मामले में स्पाइसिस के मामले में सबसे ज्यादा एक्सपोर्टिंग स्टेट कौन सा है हमारा प्रोडक्शन कहाँ सबसे ज्यादा होता है यस वेरी नाइस मैम नेशनल स्पाइस बोर्ड जो है नेशनल स्पाइस बोर्ड जो है ये किस मिनिस्ट्री के अंडर आता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री जर्नली लोग ये सोचेंगे कि मैम मसाले हैं तो कुछ एग्रीकल्चर रिलेटेड होगा है ना फूड प्रोसेसिंग रिलेटेड होगा लेकिन क्योंकि स्पाइसेस जो हैं वो बहुत बड़े लेवल पर उनका ट्रेड वगैरह किया जाता है और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर ठीक है स्पाइस प्रोड्यूस करना इसको बाहर वो करना तो उसके लिए ये बोर्ड बनाएँ अदरवाइज बोर्ड बनाने की जरूरत कहती है बोर्ड इसीलिए बनाया उसका यहाँ पर एक्सपोर्ट वगैरह से रिलेटेड चीज़ें देखने के लिए है ना ओके okay, आंसर क्या हो गया यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा कि इस बार का फोर्टीन एडिशन कहाँ पर हुआ फोर्टीन एडिशन हुआ वाशी नवी मुंबई में और इसका विजन ट्वेंटी थर्टी क्या रखा गया स्पाइसेस ही रखा गया ठीक है और ये जो स्पाइस बोर्ड इंडिया है तीन दिन का इवेंट था स्पाइस बोर्ड इंडिया विच कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ठीक है याद रहेगा सभी लोगों को देखो वैसे देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जो स्पाइसेस एक्सपोर्ट करता है इंडिया में जो स्टेट दैट इज़ केरला केरला से बहुत सारे स्पाइसेस जाते हैं लेकिन अगर मैं प्रोडक्शन की बात करूँ यहाँ पर तो अगर प्रोडक्शन की बात करती हूँ तो आपका एमपी है ठीक है तेलंगाना है कर्नाटका है केरल है ये क्या माने जाते हैं स्पाइस प्रोड्यूसिंग स्टेट वन ऑफ द प्रोमिनेट स्पाइस प्रोड्यूसिंग स्टेट्स में से माने जाते हैं लेकिन लीडिंग एक्सपोर्टर ऑफ स्पाइसेस फ्रॉम इंडिया विथ स्टेट इन दैट केसेस आपका केरला हो जाएगा ठीक है तो एक्सपोर्ट और प्रोडक्शन में देर इज़ डिफरेंस कि प्रोड्यूस कौन ज़्यादा कर रहा है और एक्सपोर्ट कौन ज़्यादा कर रहा है देयर इज़ अ डिफरेंस एक्सपोर्ट करने में सबसे ज़्यादा स्पाइसेस का एक्सपोर्ट करता है केरला प्रोडक्शन की बात करेंगे तो मध्य प्रदेश होगा ठीक है नेक्स्ट है आपका एयर इंडिया हैज़ लॉन्च प्रोजेक्ट अभिनंदन टू प्रोवाइड अस पर्सनलाइज एंड हैसल फ्री एक्सपीरियंस टू पैसेंजर्स एट हाउ मेनी एयरपोर्ट्स हेज़ दिस प्रोजेक्ट बीन स्टार्टड ये सोलह एयरपोर्ट्स पर मैम ने प्रोजेक्ट शुरू कर दिया है नाम है प्रोजेक्ट अभिनंदन जहाँ पर इनको पर्सनलाइज और हैसल फ्री एक्सपीरियंस दिया जा रहा है इधर ऑलरेडी स्पेशली ट्रेन सर्विस इंश्योरेंस ऑफिसर रखे जा रहे हैं सोलह मेजर एयरपोर्ट्स पर ऑल अक्रॉस द इंडिया टू तो ऑफर ऑन ग्राउंड असिस्टेंस जहाँ पर सभी लोगों को ये हेल्प करेंगे ये एयरपोर्ट जो है इनके ऑफिसर्स डिप्लॉय किए गए हैं जैसे अहमदाबाद के उधर एयरपोर्ट पर बेंगलुरु दिल्ली, गोवा गुवाहाटी हैदराबाद कोची कोलकाता लखनऊ कलिकट चेन्नई मुंबई नागपुर पुणे वाराणसी एंड विशाखापटनाम ठीक है तो यहाँ पर ये असिस्टेंस देंगे एयर इंडिया ट्रैवलर्स को जिनको भी हेल्प की ज़रूरत है चेक इन एरिया लॉन्जेस बोर्डिंग गेट्स ट्रांजिट के टाइम पर अराइवल हॉल के टाइम पर यहाँ पर दिया जाएगा अब ये जो एयर इंडिया है इसका ओनर कौन है टाटा है तो टाटा ओंड एयरलाइन है इन्होंने सौ ऐसे ऑफिसर्स इस टाइप के सोला एयरफोर्स में डिप्लॉय किए हैं नेक्स्ट है day, आपका द स्मॉल टाउन शांति निकेतन हैज़ बीन इंक्लूडेड इन द ये एक छोटा सा कस्बा है शांति निकेतन यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में इंक्लूड हुआ है आपसे पूछ रहा है कि ये कौन से स्टेट में सिचुएटेड है तो माधुरीमा ऑबियसली यू नो दैट वेस्ट बंगाल है ना अच्छा आप में से कौन कौन वेस्ट बंगाल से हैं हाउ मेनी ऑफ यू आर फ्रॉम वेस्ट बंगाल एक काम करो ऐसे ही मेरी पर्सनल उसके लिए क्यूरियसनेस के लिए क्यूरियोसिटी के लिए ये बताओ एक बार कि आप कौन कौन से स्टेट से हो बिकॉज मैं जब भी इंडिया के बारे में सोचती हूँ एंड हमारी डाइवर्सिटी के बारे में सोचती हूँ तो मतलब वो कहते हैं ना माइंड बिलो हो जाता है तो वही माइंड बिलो हो जाता है कि इतना ज़बरदस्त डाइवर्सिटी में इतनी अच्छी यूनिटी कि लाइक जब इंडिया की बात आती है तो हम इंडियन हैं और वैसे हमारी जो डाइवर्सिटी है वो इतनी अलग है ऐसा लगता है कि जैसे बहुत ही रिच हमारा कल्चर है अच्छा ओके ना बनेता दैट्स ग्रेट झारखंड लखनऊ आंध्र प्रदेश मध्य प्रदेश <laughs> शिवराज मामा के भांजे हैं मैंने देखा है वो वीडियो जिसमें एक वो लड़का बोलता है मामा अपने भांजों का भी कुछ सोच लो बहनाओं को तो दे दिए आपने पैसे हमारे लिए भी कोई पैसे दे दो राजस्थान से हैं ओके okay. मुंबई से हैं ग्रेट केरला राजस्थान कानपुर यूपी तो मतलब देखो पूरी डाइवर्सिटी क्लास के अंदर है साउथ हो वेस्ट हो ईस्ट हो ईस्ट से हाँ ईस्ट से हैं वेस्ट हो चाहे नॉर्थ हो नॉर्थ से तो मैं खुद जीता जाता एग्जाम्पल हूँ तो तुम बोल सकते हो कि नॉर्थ से जो नॉर्थ से नहीं है वो बोल सकते हो नॉर्थ में किसी को जानते हैं तो शीतल मैम को जानते हैं मैं हरियाणा से हूँ ठीक है मैं हरियाणा से हूँ हरियाणा में एक जगह आपने सुना होगा गुरुग्राम गुरुओं का गांव तो बस वहीं से हैं जहाँ से गुरु ग्राम जहाँ पर गुरुओं का जो गांव है वहीं से तुम्हारे ये मैम जो हैं गुरु जी ये वहीं से निकले हुए हैं तो अभी आपको याद रखना है चलो फोकस करते हैं क्वेश्चन के ऊपर <laughs> अरे गुड़गांव बहुत खतरनाक जगह है जहाँ से हम बिलोंग करते हैं कभी आइएगा ज़रा वेस्ट बंगाल बिरभूम डिस्ट्रिक्ट के अंदर सिचुएटेड है शांति निकेतन यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट के अंदर देखो गुड़गांव के ना दो फेस है एक फेस बहुत ही अच्छा और एक फेस बहुत ही अलग डिफरेंट है ना नहीं कुरुक्षेत्र से तो काफी दूर पड़ता है राम राम भाई सारे ने बिल्कुल जो जो जहाँ रहते हो सबके स्टेट में आऊँगी मैं मेरे को बहुत शौक़ है अलग अलग जगह अलग अलग कल्चर देखने का घूमने का तो मुझे तुम लोग फिर वहाँ पर गाइड बन के घूमना मेरे को बताना उधर क्या क्या फेमस है क्या क्या अच्छा है देखने वाला है फ़िलहाल अभी फोकस करते हैं कि क्वेश्चन में क्या क्या अच्छा है जो एग्ज़ामिनर पूछने वाला है यूनेस्को में यहाँ पर तीन और अदर साइट्स इस लिस्ट के अंदर इंक्लूड की गई है अदर देन शांति निकेतन तो अब मेरा क्वेश्चन आप लोगों से बड़ा ही जायज़ क्वेश्चन है कि फिलहाल में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट के अंदर वर्ल्ड हेरिटेज साइट लिस्ट के अंदर इंडिया की तरफ से टोटल कितनी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हो चुकी हैं छत्तीसगढ़ से तो डर लगता है मुझे थोड़ा सा मजाक कर रही हूँ आएंगे सब जगह आएंगे टेंशन मत सेवेंटी फाइव जो बोल रहे हैं दैट इज रामसा साइट वो रामसा साइट है ये कितनी हो गई फोर्टी टू फोर्टी सेकेंड वाली कौन सी है और शांति निकेतन कौन सी वाली बनी है फोर्टी फर्स्ट या फोर्टी सेकेंड बताओ जरा देखो जो शांति निकेतन है ये बनी है फोर्टी फर्स्ट ये क्या बनी है फोर्टी फर्स्ट और जो आपके होयसला टेम्पल्स हैं या कह सकते हो सेक्रेड एंड ऑफ होयसला इन कर्नाटका ये सितंबर 2023 में एड हुआ है एज अ फोर्टी सेकेंड हेरिटेज साइट तो टोटल कितनी हो गई है फोर्टी टू हो गई है नेक्स्ट है ने इंडिया की लार्जेस्ट पेमेंट फॉर्म है जस पे जिसका नाम है इसने कौन से बैंक के साथ में कोलाबरेट किया है टू इंट्रोड्यूस हाइपर यू पी आई हाइपर यू पी आई मतलब बहुत ही फास्ट बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ पर इनका क्या है ट्रांजेक्शन uh, रेट है फेलिंग रेट भी बहुत कम है वन क्लिक यू पी आई एक्सपीरियंस लेके आए इसके साथ में तो आपको याद रखना है येस yes, बैंक ने यस yes किया है हाइपर यू पी आई के लिए किसके साथ में जस पे तो इन्होंने बोला जस पे हाई येस बैंक हाइपर यू पी आई के थ्रू नेक्स्ट है आपका वुमेन रिजर्वेशन बिल पास इन लोकसभा विथ फोर फिफ्टी फोर ओनली टू अगेंस्ट इट व्हाट इज द नेम ऑफ दिस वेमेन रिजर्वेशन बिल वो दो बंदों के नाम बता सकते हो आपको पता भी होंगे जिन्होंने इसके अगेंस्ट यहाँ पर वोटिंग किया है बाकी सभी ने इसके फेवर में वोटिंग किया है ये वेमेन रिजर्वेशन बिल जो है इसका नाम क्या दिया गया है नारी शक्ति वंदन अधिनियम अधिनियम मतलब इसको बोलते हैं कि ये क्या है एक एक्ट है एक बिल है यहाँ पर जो पास

महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन करने के लिए तो लोकसभा पास द कॉन्स्टिट्यूशनल अब इसका अमेंडमेंट बिल का नंबर कौन सा है ये है वन ट्वेंटी एट्थ अमेंडमेंट बिल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन विद फिफ्टी फोर मेंबर्स वोटिंग इन फेवर एंड ओनली टू अगेंस्ट इट आफ्टर स्पिरिटेड एट आवर डिबेट इन विथ फोर्टी मेंबर्स सिक्सटी मेंबर्स पार्टिसिपेटेड लोकसभा ने यहाँ पर असेंट दिया है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल कौन सा है वन ट्वेंटी एट्थ अमेंडमेंट बिल है जिसको नारी शक्ति वंदन अधिनियम के तौर पर माना जाएगा इसको इंट्रोड्यूस किया गया था लोकसभा में फर्स्ट डे ऑफ द प्रोसीडिंग इन द न्यू पार्लियामेंट्री बिल्डिंग एडिशनली द ओल्ड पार्लियामेंट हाउस इन द लोकसभा वॉज रीनेम्ड द संविधान सदन नेक्स्ट है आपका प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विल ले द फाउंडेशन स्टोन फॉर लॉर्ड शिवा थीम क्रिकेट स्टेडियम इन विटी तो भगवान शिव के आधार पर इस थीम पर क्रिकेट स्टेडियम का जो आधारशिला रखी है वो कहाँ पर वाराणसी में है ना अब यहाँ पर इन्होंने बोला है कि टोटल थ्री फिफ्टी करोड़ रुपीज यहाँ पर अब देखो वाराणसी मतलब काशी विश्वनाथ जी का यहाँ पर धाम है ठीक है अब ये काशी विश्वनाथ जी यहाँ पर वास करते हैं काशी विश्वनाथ टेम्पल है इधर तो भगवान शिव जो हमारे काशी विश्वनाथ है, है उन्हीं का पर पर थीम पर क्या बनाया जा रहा क्रिकेट स्टेडियम बनाया जा रहा है, है। इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम है वाराणसी यूपी में साढ़े तीन सौ करोड़ का लागत आ रहा है जिसमें तीन हजार लोग बैठकर यहां पर क्रिकेट देख सकते हैं नेक्स्ट है ने आपका एडेड टू यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट आपको ये पता ही होगा आंसर क्या हो जाएगा मैम कर्नाटका कर्नाटका में है और फोर्टी सेकेंड यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट बना है फोर्टी फर्स्ट वाला शांति निकेतन वेस्ट बंगाल में नेक्स्ट है आपका गवर्नमेंट हैज़ रिसेंटली लॉन्च थ्री इनिशिएटिव्स फॉर फार्मर्स विच इंक्लूड द किसान रेन पोर्टल द डोर टू डोर के सी कैंपेन एंड द वेदर इन्फॉमेशन नेटवर्क डेटा सिस्टम जिसको विंड मैनुअल कहा गया है जिसमें वेदर के बारे में इंफॉर्मेशन यहाँ पर दी जाएगी सो वेदर इन्फॉर्मेशन नेटवर्क डेटा सिस्टम व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ़ किसान ऋण पोर्टल ऋण क्या होता है लोन होता है किसान ऋण पोर्टल का इनमें से किससे रिलेटेड होगा ये कि मैम यूनिवर्सल फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए वेदर इन्फॉर्मेशन देने के लिए फार्मर्स को तो मैम विंड्स हैं उसका क्या मतलब ऋण से वुमेन फार्मर्स को प्रमोट करना या फिर फार्मर सब्सिडी लोन्स अंडर के सी सी मैम वेरी वेरी ऑब्वियस थोड़ा सा सोचेंगे तो आंसर डिराइव हो जाता है मैम फार्मर्स को सब्सिडी लोन दिए जाएंगे अंडर के सी सी थ्रू द किसान ऋण पोर्टल के थ्रू मैं के आर एन लिख दूँ किसान ऋण पोर्टल डोर टू डोर के सी सी कैंपेन जो है ये किस चीज़ के लिए यूनिवर्सल फाइनेंस डोर टू डोर के सी सी कैंपेन के लिए ताकि यूनिवर्सल फाइनेंशियल इंक्लूजन आ सके जो फार्मर्स है वो भी यहाँ पर आ सके अब ये वेदर इंफॉर्मेशन से रिलेटेड विंस है नेक्स्ट है आपका इनोग्रेटेड द फर्स्ट यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो इन इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट इन ग्रेटर नोएडा आंसर क्या होगा इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा द्रौपदी मुर्मू द्रौपदी मुर्मू जो हैं उन्होंने यहाँ पर पहला यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट ग्रेटर नोएडा यूपी के अंदर ये लॉन्च किया जो 21 से लेकर 25 सितंबर तक चला है नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर विच इंश्योरेंस कंपनी इंट्रोड्यूसरा न्यू हेल्थ इंश्योरेंस प्रोडक्ट नोन एज प्लैटिनम हेल्थ प्लान प्लैटिनम हेल्थ प्लान लॉन्च किया है मैम एको इंश्योरेंस कंपनी ने नाम दिया है एको प्लैटिनम हेल्थ प्लान कैंपेन का नाम है हेल्थ इंश्योरेंस की सुबह हो गई मामू ठीक है जिसको डायरेक्ट किसने किया है जिन्होंने मुन्ना भाई मूवी बनाई है राजकुमार हिरानी ने नेक्स्ट है आपका बी हैज़ अनाउंस डैश एज द ऑफिशियल पार्टनर फॉर बी डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल सीजन फॉर फाइनेंशियल ईयर 23 से लेके 26 तक इन तीन सालों के लिए बी ने एस लाइफ इंश्योरेंस जो है इसको ऑफिशियल पार्टनर बनाया है तीन सालों के लिए यहाँ पर तीन साल का डील इन्होंने साइन किया है और अभी फिलहाल में जो तीन दिन का ओ सीरीज़ हुआ ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट जो सितंबर दो हज़ार सितंबर से शुरू हुआ था उसमें तीन दिन के मैच से यहाँ पर इनकी जो स्पॉन्सरशिप है वो शुरू हो गई नेक्स्ट हाँ है आपका प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी रिसेंटली इनोग्रेटेड हाउ मेनी अटल आवासीय विद्यालय अक्रॉस उत्तर प्रदेश अटल आवासीय विद्यालय मतलब पता क्या है इसका मतलब है आवासीय मतलब रेजिडेंशियल स्कूल तो अटल रेजिडेंशियल स्कूल कितने टोटल यहाँ पर मैम सोलह अटल रेजिडेंशियल स्कूल जो है यूपी के अंदर इनग्रेट किए हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने जिनके ऊपर खर्चा आया था ग्यारह करोड़ रुपए का ग्यारह करोड़ रुपए खर्च करके क्वालिटी एजुकेशन यहाँ पर दी जा रही है उन कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के बच्चों को लेबरर्स के बच्चों को या कोविड नाइन्टीन में कोविड नाइन्टीन के दौरान अनाथ जो बच्चे हो गए उनको दिया जाएगा नेक्स्ट है पर मिनिस्टर ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स अनुराग सिंह ठाकुर इनोग्रेटेड द न्यूली न्यूलीन टू हंड्रेड मीटर सिंथेटिक एथलेटिक ट्रैक इन स्टेट तो करेक्ट आंसर क्या होगा हिमाचल प्रदेश देखो अभी आपको पता होगा कि यहाँ पर पंजाब गवर्नमेंट ने राइट टू वॉक के तहत बोला कि अब जो भी नए प्रोजेक्ट चलेंगे ना उनमें आपको ना जो साइकिलिस्ट होते हैं और जो पैदल चलने वाले पेडेस्ट्रियंस होते हैं उनके लिए आपको जगह छोड़नी पड़ेगी रोड पर और दूसरी यहां पर अभी जो हिमाचल प्रदेश है उनकी मिनिस्टर ऑफ यूथ एंड स्पोर्ट्स ने अनुराग सिंह ठाकुर जो है उन्होंने यहाँ पर छः लेन वाला 200 मीटर का सिंथेटिक एथलेटिक ट्रैक यहाँ पर लॉन्च किया है जो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के हाई आल्टीट्यूड ट्रेनिंग सेंटर कहाँ पर है हिमाचल प्रदेश के शिलारू जगह पर है तो वहाँ पर यह पहला ऐसा ट्रैक है हमारी कंट्री का जिसको 8000 फीट की ऊंचाई पर बना हुआ है ये हाई आल्टीट्यूड हॉकी सिंथेटिक ट्रैक भी यहाँ पर बनाया जा रहा है नेक्स्ट है आपका बैंकिंग जी रेवोल्यूशन मैच आपको शीतल कोड अप्लाई करना है टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट इसमें आपका एस बी आई पी ओ क्लर्क आई बी पी एस पी ओ मेन्स का जी ए पूरा कवर हो जाएगा मतलब आपको बार बार जी ए के लिए कोर्स लेने की जरूरत नहीं है सिर्फ पी ओ मेन्स की तैयारी करनी है एडवांस जी ए कैप्सूल आप लोग ले सकते हैं शीतल कोड अप्लाई करना है टू तो गेट मैक्सिमम डिस्काउंट ऑन ऑल ऑफ दीज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च द गृह आधार स्कीम इन द स्टेट टू प्रमोट द फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस एंड वेलबिंग ऑफ हाउस वाइफ गृह आधार स्कीम जो है इनमें से किसने लौग? लॉन्च किया है कि यहाँ पर ना जो होम मेकर्स हैं जो हाउस वाइफ हैं जो घर पर रह के बच्चों को घर को संभाल रही हैं कोई काम नहीं करती हैं कोई जॉब नहीं करती उनके पास में फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की एक जो बड़ी इशू आता है कि भाई उनके पास में भी कुछ पैसा होना चाहिए तो ये गोवा ने लॉन्च किया है गृह आधार नाम से यानी कि इनको कितने पैसे दिए जाएंगे अंडर द गृह आधार स्कीम हाँ देखो ग्रामीण मित्रा लॉन्च कर चुका है गोवा डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ गवर्नमेंट सर्विसेज देने के लिए आईवीएफ ट्रीटमेंट ये फ्री कर चुका है थ्रू आउट द स्टेट की आईवीएफ ट्रीटमेंट किसी को इन विट्रो फर्टिलाइजेशन करवाना है जिनको बच्चे नहीं हो रहे हैं तो वो यहाँ पर इसमें फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जा रहा है इनके गवर्नमेंट जो हॉस्पिटल्स हैं उनके अंदर प्लस गृहा इनिशिएटिव जो है इधर का डायरेक्ट्रेट ऑफ वेमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने शुरू किया है ताकि जो हाउस वाइफ है उनका वेलबींग फाइनेंशियल इंक्लूजन हो सके वो यहाँ पर उनको एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी हो सके कि उनको भी कुछ डे टू डे खर्चे होते हैं वो अपनी तरफ से चला सकती हैं नेक्स्ट है यहाँ पर आपका व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन द डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स 2023 अकॉर्डिंग टू द साइबर सिक्योरिटी फर्म सर्फ शाह हाँ गोवा का बर्थ रेट इज़ डिक्रीजिंग क्या होगा करेक्ट आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर वन ट्वेंटी वन कंट्रीज़ में इंडिया का रैंक क्या आया है फिफ्टी सेकेंड आया है पांच फैक्टर्स लिए गए थे इंटरनेट क्वालिटी कैसा, कैसा है इंटरनेट अफोर्डेबिलिटी e कैसा है इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर ई गवर्नेंस यानी कि डिजिटल गवर्नेंस एंड डिजिटल सिक्योरिटी किस हिसाब की है टॉप थ्री कंट्रीज डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स के अंदर कौन रही सबसे पहले नंबर पर डेनमार्क दूसरे नंबर पर साउथ कोरिया और तीसरे नंबर पर फिनलैंड अगर इस क्लास का आपको पी चाहिए तो आपको मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा शीतल शर्मा मैम ऑफिशियल जिसने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है यहाँ पर ज्वाइन करो आपको सिर्फ लिखना है शीतल शर्मा मैम और जहाँ पर फोर्टी एट थाउजेंड से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स मिले बस उस चैनल को ज्वाइन कर लेना इंटरनेट क्वालिटी के मामले में इंडिया वन ट्वेंटी वन कंट्रीज में सिक्सटीन नंबर पर इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर, ई इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में नाइन्टी फर्स्ट पोजिशन पर ई गवर्नेंस ई ई सिक्योरिटी और इंटरनेट अफोर्डेबिलिटी में तो इंटरनेट अफोर्डेबिलिटी में ट्वेंटी एट्थ पर ई गवर्नेंस में ट्वेंटी फिफ्थ रैंक पर और ई सिक्योरिटी में सिक्सटी सिक्स रैंक पर सर्वे ने बोला कि सिंगापुर और सऊदी अरेबिया टॉप पोजीशन पर है अगर एवरेज इंटरनेट स्पीड की हम बात करें जहाँ पर 300 सौ किसका सिंगापुर का था और सऊदी अरेबिया का 310 सौ था नेक्स्ट है आपका ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉपरेशन एंड डेवलपमेंट ओ ने इकोनॉमिक इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ फॉरकास्ट फाइनेंशियल ईयर ट्वेंटी के लिए छः परसेंट से बढ़ा कर कितनी कर दी है तो आंसर क्या होगा सिक्स पॉइंट थ्री परसेंट कर दिया नेक्स्ट है आपका डिफेंस मिनिस्ट्री हैज़ क्लियर और ओ का हेडक्वार्टर्स किधर है पैरिस फ्रांस में है डिफेंस मिनिस्ट्री ने क्लियर किया प्रपोजल ऑफ बाइंग द रेजिमेंट ऑफ प्रलय प्रलय टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल्स फॉर इंडियन आर्मी आपसे पूछ रहा है कि इस मिसाइल का बेसिकली रेंज कितना है तो मैम डेढ़ सौ से लेके पाँच सौ किलोमीटर की रेंज में यहाँ पर ये बैलिस्टिक मिसाइल जो है वो अटैक कर सकती है टैक्टिकल है यानी कि पूरे स्ट्रैटेजी के साथ में इसको पूरा कन्फिग्रेशन uh, के साथ में आती है परल इसका नाम है नेक्स्ट है यहाँ पर आपका क्वेश्चन विच इंडियन नेवल शिप हैज सक्सेसफुली कंडक्टेड वाइटल मिक्सड गैस डाइविंग ट्रेनिंग सेशंस एज पार्ट ऑफ द आई एन एस एल एन डाइव एक्स ट्वेंटी थ्री तो आंसर क्या होगा मैम इंडियन नेवल विच विच इज निरीक्षक तो यहाँ पर निरीक्षक जो है इसको यहाँ पर इसने मिक्सड गैस ड्राइविंग डाइविंग ट्रेनिंग जो होता है मिक्स्ड गैस डाइविंग ट्रेनिंग डाइविंग मतलब जो आपको पानी में समुद्र के पानी में छलांग लगाते हैं ना नीचे डाइव करके आते हैं तो इंडियन नेवी का डाइविंग सपोर्ट वेसल जो है सी डाइव जिसने इनिशिएट किया और यहाँ पर डाइविंग एक्सरसाइज जो है श्रीलंकन नेवी डाइवर्स के साथ में हमने कम्प्लीट किया जिसमें आई एन एस निरीक्षक जो है उसने पार्टिसिपेट किया अगर आपसे पूछूँ हु हैज़ मैन्युफैक्चर्ड आई निरीक्षक तो आंसर क्या होगा तो याद रखना माजागांव शिप बिल्डर्स माजागांव शिप बिल्डर्स कहां के मुंबई महाराष्ट्र वाली फॉर्म है माजागांव ठीक है आजकल इस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं तो मुझे लगा कि मुझे बता देना चाहिए नेक्स्ट है आपका कीर्तेश्वरी विलेज हैज बीन सिलेक्टेड एज द कंट्रीज बेस्ट टूरिज्म विलेज बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इट इज सिचुएटेड इन वेस्ट स्टेट आंसर क्या होगा आंसर हो जाएगा यहाँ पर वेस्ट बंगाल बंगाल का जो कीर्तिवेश्वरी उसको क्या मिला है कृतिवेश्वरी जो विलेज है उसको बेस्ट टूरिज़्म विलेज ऑफ इंडिया अवार्ड मिला है वेस्ट बंगाल के मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये पड़ता है जिसको हमारे देश का बेस्ट टूरिज़्म विलेज हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला है विलेज बीट 795 नाइन्टी फाइव एप्लीकेशन रिसीव फ्राम थर्टी स्टेट्स एंड यूटीज जिनको ये ऑनर दिया गया है और उसमें से इन इतनी सारी डिस्ट्रिक्ट को चूज़ किया गया जिसमें ये गाँव जो है बेस्ट निकल गया है फोर्थ इंटरनेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर वर्किंग ग्रुप मीटिंग कहाँ पर हुआ आंसर हो जाएगा मैम खुजराव एम पी के अंदर चौथा इंटरनेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर वर्किंग ग्रुप मीटिंग हुआ असम के जो सी एम है हेमंत बिस्वा शर्मा उन्होंने मुख्यमंत्री आत्मनिर्भर ओसम स्कीम जो है ये लॉन्च किया आपसे पूछ रहा है कि इसका पर्पज़ क्या है ओसम स्कीम जो है आत्मनिर्भर ओसोम स्कीम तो इससे ड्राइव करो कि मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि असोम जो है वो आत्मनिर्भर बने तो आत्मनिर्भर बनने के लिए यहाँ पर क्या किया जा रहा है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ दी जाएगी अनएम्प्लॉयड यूथ को तो इन्होंने बोला कि आत्मनिर्भर अवसम स्कीम के तहत इंप्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज और फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जा रहा है इधर जिसके तहत क्या किया जाएगा इनको नई स्कीम के तहत फाइनेंशियल असिस्टेंस दो लाख रुपए का मिलेगा टू टू लाख यूथ यानी कि दो लाख ऐसे युवा जो इस स्टेट के अंदर हैं उनको कह रहे हैं कि हर एक को हम दो लाख रुपए का फाइनेंशियल असिस्टेंस दे सकते हैं उनको सेल्फ इंडिपेंडेंट बनाने के लिए ताकि वो अपना खुद का कोई काम शुरू कर सके नेक्स्ट है आपका गवर्नमेंट हैज लॉन्च ए आई चैट बोर्ड फॉर विच स्कीम विच इज़ द फर्स्ट ऑफ़ इट्स काइंड टू बी इंटीग्रेटेड विद द मेजर फ्लैगशिप स्कीम ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट आंसर क्या होगा यहाँ पर मैम ए आई चैट बोर्ड किससे रिलेटेड लॉन्च किया है किसान सम्मान निधि से पी एम किसान से अब देखो बहुत सारे फार्मर्स होते हैं मैम बहुत सारे फार्मर्स यहाँ पर पढ़ लिख नहीं सकते हैं लेकिन वो यहाँ पर सुन सकते हैं या फिर व्हाट्सएप पे जैसे हम चैट बोर्ड होता है ना हम अपना चैट लिख सकते हैं ऐसे लिख सकते हैं मैम तो ये जो पी एम किसान स्कीम है इसमें ए आई चैट बोर्ड लॉन्च किया मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो एग्रीकल्चर फार्मा वेलफेयर मिनिस्ट्री में है कैलाश चौधरी उन्होंने ताकि यहाँ पर इसको ना इस स्कीम के तहत अगर कोई भी क्वेरी है इस ए आई चैट बोर्ड के थ्रू उनको आसानी से और बहुत जल्दी उनके जो डाउट्स हैं क्लियर हो सकते हैं विच कंपनी अवॉर्डेड टू कॉन्ट्रैक्ट्स वर्थ थर्टीन थाउजेंड एट हंड्रेड एटी एट करोड़ बाय द महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड टू इंस्टॉल स्मार्ट मीटर्स यस यस बिल्कुल आईएनएस विक्रांत से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था इतने कम लोग क्यों हैं क्लास के अंदर कहा निकल सब लोग. क्या हो जाएगा? अडानी ग्रुप अडानी ग्रुप जो है उसको दो कॉन्ट्रैक्ट मिले हैं वर्थ थर्टीन थाउजेंड एट हंड्रेड एटी एट करोड़ रुपीज के बाय महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करो फटाफट से करेक्ट आंसर क्या होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट जो है उन्होंने ऑफिसर डेस्क सिस्टम जो है यहाँ पर ये यह क्या किया है लॉन्च किया है ताकि यहाँ पर जो भी सेक्रेटरीट के अंदर जो काम होते हैं उनका ट्रांसपेरेंसी उनमें लाई जा सके पारदर्शिता ला लाई जा सके और जो इस टाइप के जो फाइल्स यहाँ पर लगते हैं ना वो ट्रांसपेरेंट और प्रॉम्प्ट एक्शन उसमें यहाँ पर किया जा सके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हु हैज़ इनागरेटेड अ टू डे इंटरनेशनल लॉयर कॉन्फ्रेंस इन न्यू डेली लॉयर्स की यानी कि जो एडवोकेट्स वगैरह होते हैं ना उनकी यहाँ पर जो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस नई दिल्ली में हुई दो दिन के लिए इसको किसने इनागरेट किया नरेंद्र मोदी जी ने यह कॉन्फ्रेंस पहली बार ऑर्गेनाइज कराई जा रही थी बाय द बार काउंसिल ऑफ इंडिया एंड इस का थीम था इमर्जिंग चैलेंजेस इन जस्टिस डिलीवरी सिस्टम नेक्स्ट है नरेंद्र मोदी जी ने फाउंडेशन स्टोन रखा आकाशवाणी दाहोद एफ रिले स्टेशन प्रोजेक्ट का किस स्टेट के अंदर तो अगर मैं आपसे पूछूँ कि टोटल यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने कितने एफ एम ट्रांसमीटर्स जो हैं यहाँ पर वो ट्रांजिस्टर्स जो हैं या ट्रांसमीटर्स जो हैं वो डालने की बात की गई थी ट्रांसमीटर्स लगाने की बात की गई तो आंसर क्या होगा ऑप्शनस है नाइन्टी वन सेवेंटी फाइव वन जीरो एट या फिर वन वन सेवन आंसर क्या होगा मैम टोटल नाइन्टी वन एफ एम ट्रांजिस्टर्स यहाँ पर ट्रांसमीटर्स लगाए जाएंगे आंसर करेक्ट होगा कि मैम गुजरात के अंदर ना आकाशवाणी दाहोद अब दाहोद जगह जो है ये कहाँ पर पड़ती है गुजरात में पड़ती है अब किसी को नहीं भी पता और ये पता है दाहोद कहाँ पर पड़ता है तो आप आंसर कर सकते हो कि दाहोद एफ एम स्टेशन प्रोजेक्ट जो है गुजरात में लॉन्च किया है दस किलो वॉट का एफ रिले स्टेशन यहाँ पर लगाया जाएगा कॉस्ट इसके ऊपर है ग्यारह करोड़ रुपये का आना है फिफ्टी किलोमीटर रेडियस एरिया में सेवेंटी ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट जो है दाहोद वाला उसको उसका सेवेंटी फाइव परसेंट यहां पर ये कवर कर लेगा इसके अलावा जो ट्रांसमीटर लगाए जा रहे हैं विल आल्सो कवर ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ एमपी विच इज़ अलीराजपुर और जाबुआ नेक्स्ट है आपका हुए स्टेट असेंबली पासड फोर बिल्स कौन सी स्टेट असेंबली ने चार बिल पास किए हैं इंक्लूडिंग द लैंड एक्विजिशन एंडल रिसेटलमेंट वन एंड दैट विल अनेबल द गवर्नमेंट टू एक्जेंट स्ट्रैटेजिक एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट फ्रॉम सोशल इम्पैक्ट असमेंट चार ऐसे बिल पास किया है कौन सी स्टेट की असेंबली ने जिसमें यहाँ पर आपका लैंड एक्विजिशन यानी कि किसी भी एक भूमि का जो यहाँ अधिग्रहण होता है वो रिसेटलमेंट वन यानी कि जहाँ पर रिसेटल कराया जा सकता है पुनर जहाँ पर उनका आ... उनको ठहराया जा सकता है जिससे गवर्नमेंट यहाँ पर कुछ एक डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट से बचा सकती है तो आंसर क्या होगा उड़ीसा असेंबली ने रिसेटलमेंट की बात आ जाए लैंड एक्विजिशन की बात आ जाए जिससे यहाँ पर गवर्नमेंट के कुछ प्रोजेक्ट्स सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट से बच सकते हैं तो इसका नाम दिया गया है राइट टू फेयर कंपनसेशन एंड ट्रांसपेरेंसी इन लैंड एक्विजिशन रिहेबिलिटेशन एंड रिसेटलमेंट उड़ीसा अमेंडमेंट बिल ऑफ ट्वेंटी सबसे पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ था मार्च के अंदर लेकिन इसको एक महीने के अंदर अंदर विड्रॉ कर लिया था बहुत क्रिटिसिज मिला था अब इसको वापस से इंट्रोड्यूस किया गया साउथ साउथ नॉलेज शेयरिंग सीरीज कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज बाय विच ऑफ द फॉलोइंग तो आंसर क्या होगा वर्ल्ड बैंक जो है उसने यहाँ पर इसको ऑर्गेनाइज किया है नेक्स्ट है आपका प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लेट द फाउंडेशन स्टोन ऑफ आकाशवाणी दो होगी दोबारा रिपीट हो गया करेक्ट आंसर होगा गुजरात नेक्स्ट है आपका फोर्थ एडिशन ऑफ इंडो लैटिन अमेरिकल कल्चरल फेस्टिवल ऑर्गेनाइज बाय इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशन बिगेन इन विसिटी जनरली इस टाइप के क्वेश्चन पर ना हम ध्यान नहीं देते कि नहीं आएगा ये बल्कि आजकल इसी टाइप के क्वेश्चन आपका जो एग्जामिनर है वो पूछने लगे लगा है कि चौथा जो इंडियो इंडो लैटिन इंडो लैटिन अमेरिका कल्चरल फेस्टिवल हुआ है ये इंडियन काउंसिल एंड कल्चरल रिलेशन ने कौन से शहर में शुरू कराया तो याद रखना नई दिल्ली में शुरू कराया गया है टोटल थर्टी फोर आर्टिस्ट यहाँ पर तीन कंट्री से आ रहे थे कोलंबिया से इक्वाडोर से और चिले से ये लैटिन अमेरिकन कंट्रीज है जिन्होंने इन दो दिन के फेस्टिवल में पार्टिसिपेट किया नेक्स्ट है आपका इंडिया इन विच कंट्री हैज रिसेंटली साइंड अ सोशल सिक्योरिटी अग्रीमेंट क्या होगा करेक्ट आंसर सोशल सिक्योरिटी अग्रीमेंट जो है इंडिया और अर्जेंटीना ने यहाँ पर क्या किया है साइन किया है ठीक है इसके अलावा बैंकिंग जी रेवोल्यूशन बैच आप ले सकते हैं सारे बैचेस आपको मिल जाएंगे एट मैक्सिमम डिस्काउंट शीतल कोड लगाने पर ऑलिव बोर्ड पर नेक्स्ट है आपका वे स्टेट एंड यूटी गवर्नमेंट हैज़ इंट्रोड्यूस्ड तो अ 15 पॉइंट विंटर एक्शन प्लान टू टैकल एयर पॉल्यूशन इन द अपकमिंग विंटर सीजन जैसे विंटर सीजन आता है ना अपने आप एयर पॉल्यूशन हो जाता है कैसे हो जाता है एक तो पराली वगैरह जलाई जाती है दूसरा क्या हो जाता है दूसरा यहाँ पर पॉल्यूशन जो होता है वो हवा की वजह से उसकी डेफिशंसी की वजह से बहुत ज़्यादा नहीं जा पाता है क्योंकि ह्यूमिडिटी का होती है और अगर आप देखें तो उसमें जो फॉग होता है और जो स्मोक होता है वो मिलके स्मॉग बन जाता है एयर पोल्यूशन फैलाता है तो दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने क्योंकि दिल्ली एन सी में देखने को जनरली मिलता है तो पंद्रह पॉइंट का विंटर एक्शन प्लान लॉन्च किया है कि भैया फिर से आने वाला है विंटर सीजन फिर से हवा क्वालिटी खराब होगी पॉल्यूशन बढ़ेगा तो अब स्टेप्स लिए जाएंगे स्टेप्स हैव बिन टेकन इन पंजाब एज वेल क्योंकि दिल्ली में आपकी सरकार पंजाब में आपकी सरकार समझ रहे हो समझ रहे हो डाइवर्सिफाई क्रॉप प्रमोट शॉर्ट ड्यूरेशन पैडी वैराइटीज ये सब कुछ यहाँ पर देखा जाएगा ताकि स्टबल का कन्वर्जन हो सके एनर्जी फर्टिलाइजर में यानी कि स्टबल क्या है स्टबल बेसिकली मैम हम पराली को कहते हैं अब इसको ये कह रहे हैं कि हम इससे या तो हम बायो गैस बना सकते हैं क्योंकि अभी यही तो बात हुई गोवर्धन प्लांट में यही तो किया जाएगा जो एग्रीकल्चर वेस्ट है उससे हम क्या बनाएंगे बायोगैस बनाएंगे बायो कंप्रेस्ड गैस बनाएंगे या फिर फ़र्टिलाइजर उसमें कन्वर्ट करेंगे क्यों उससे यहाँ पर हम लोग बनाएं एयर पोल्यूशन के लिए उसको आगा आगे बढ़ावा दें उनको काम तुमसे खरीद लेंगे हमें दे दो जाओ नेक्स्ट है आपका इंडिया विल होस्ट द दिस्ट एडिशन ऑफ द पैसिफिक एशिया इस इसका कौन ऑर्गेनाइजेशन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर क्या होगा मैम रघु श्रीनिवासन रघु श्रीनिवासन ट्वेंटी एट डीजी बने हैं बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के अब बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जो है इसका फॉर्मेशन हुआ था सात मई 1960 में अगर पूछेगा बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आता है तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर आता है जिसका काम क्या है जितने भी हमारे पड़ोसी देश हैं है ना नेबरिंग कंट्रीज हैं उनके साथ में जो हम बॉर्डर शेयर करते हैं उन बॉर्डर रोड्स को बनाना हिली स्टेट्स के अंदर रोड्स को बनाना ये इसका यहाँ पर काम है नेक्स्ट है आपका इन अक्टूबर ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री विच यूनियन टेरेटरी हैज हैज़ अचीव्ड हंड्रेड परसेंट विजेस ओ डी एफ प्लस स्टेटस ओ डी एफ प्लस स्टेशन मतलब ये होता है मैम ओ डी एफ का मतलब है ओपन डेफिकेशन फ्री प्लस स्टेटस ओपन डेफिकेशन फ्री मतलब खुले में शौच वगैरह नहीं जा रहे हैं ये लोग तो जम्मू कश्मीर जो है ये हंड्रेड परसेंट इसके विलेजेस ओ डी एफ फ्री हो चुके हैं और तो इनको ओडीएफ प्लस यहाँ पर स्टेटस मिल चुका है मॉडल कैटेगरी अंडर द स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण फेज टू नेक्स्ट है आपका प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स वर्थ ट्वेंटी सिक्स थाउजेंड करोड़ रुपीस इन्वेस्टेड रिसेंटली तो आंसर क्या होगा छत्तीसगढ़ में मैम छब्बीस करोड़ से ज्यादा वर्थ के अब छब्बीस करोड़ कोई मामूली बात नहीं है गाइज छब्बीस हजार करोड़ बहुत ज़्यादा हो जाता है ये इन्होंने यहाँ पर लॉन्च किया है जिसमें एन एम डी सी एक ग्रीनफील्ड स्टील प्लांट नगनार बस्तर के अंदर बनाएगा नगनार जगह जो है बस्तर छत्तीसगढ़ में वहाँ पर और इसको चौबीस हज़ार करोड़ की लागत पर बनाया जा रहा है तो एक मेजॉरिटी जो कॉस्ट है इसमें ही चला जाएगा जहाँ पर हाई क्वालिटी स्टील प्रोड्यूस किया जाएगा नेक्स्ट है ने आपका विच राइड हेलिंग प्लेटफॉर्म हैज़ लॉन्च द सस्टेनोवेट स्टार्टअप प्लाट् चैलेंज अ डायनेमिक इनिशिएटिव टू एक्सपीडीट द डॉप ऑफ सस्टेनेबल मोबिलिटी इन इंडिया करेक्ट आंसर क्या होगा उबर हैज इंट्रोड्यूस द उबर सस्टनो वेट स्टार्टअप चैलेंज जिससे यहाँ पर ये क्या करने वाले हैं सस्टेनेबल मोबिलिटी यानी कि सस्टेनेबल ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड करेंगे है ना यानी कि इसके अंदर क्या किया जाएगा देखो एक तो आपका पार्टनरशिप किया है स्टार्टअप इंडिया ने ऊबर सस्टेनोबेट uh, के साथ में और दूसरा कौन है नासकॉम ए आई यहाँ पर यह कॉम्पिटिशन रखा गया है टू रिवॉर्ड स्टार्टअप्स विद दो स्टार्टअप्स जिनके कॉन्सेप्ट बहुत ग्राउंड ब्रेकिंग है जिससे यहाँ पर जो हमारा ट्रांसपोर्टेशन और ट्रांजिशन जो है वो सस्टेनेबल एनवायरमेंट फ्रेंडली बन सके नेक्स्ट ये आपका वर्ल्ड बैंक डिसाइडेड टू मेंटेन इट्स ग्रोथ फॉरकास्ट फॉर इंडिया इन फाइनेंशियल ईयर ट्वेंटी फोर एट वट परसेंट तो आंसर क्या होगा वर्ल्ड बैंक ने सिक्स पॉइंट थ्री परसेंट बोला है और अभी मैंने किसकी बात की थी जिसने छः से बढ़ाकर छः पॉइंट तीन परसेंट कर दिया था अभी जस्ट टाइम पहले पढ़ा है यस yes, उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है कार्तिक ओ सी डी पढ़ा था हमने है ना अच्छा आरबीआई ने कितना बताया है आर ने कितना बताया मैम आर ने सिक्स पॉइंट फाइव बताया तो सिक्स पॉइंट थ्री परसेंट वर्ल्ड बैंक ने बोला आई ने बोला ओ ने बोला आई ने तो फाइनेंशियल ईयर ट्वेंटी फोर और ट्वेंटी थ्री दोनों का बोला है नेक्स्ट है आपका विच बैंक हैज पार्टनर विद शाही बंधु टू लॉन्च आ डोर स्टेप गोल्ड लोन फैसिलिटी ये सही बंधु के साथ में कौन से बैंक ने पार्टिसिपेट किया है कर्नाटक बैंक ने सही बंधु क्या है ये एक एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म है गोल्ड लोन वगैरह देने का काम करता है जिसका जो इन्वेस्टर है जो बैकअप इसको पैसे का मिला हुआ है इन्वेस्टर की तरफ से जो मिला हुआ है वो है मणिपाल ग्रुप अब इन्होंने डोर स्टैप गोल्ड फैसिलिटी दी है के नाम से कर्नाटक बैंक लिमिटेड सुवर्ण बंधु नाम से ये डोर स्टैप गोल्ड डिलीवरी दे रहे हैं ठीक है नेक्स्ट है आपका प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनग्रेट द कंट्रीज फर्स्ट हाई टेक स्पोर्ट्स ट्रेनिंग सेंटर फॉर दिव्यांगजन पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ के लिए कौन से शहर में हाई टेक स्पोर्ट्स ट्रेनिंग दिया जा रहा है आंसर क्या होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा मैम ग्वालियर में ठीक है ग्वालियर मध्य प्रदेश में दिया जा रहा है एंड इट इज नेम्ड आफ्टर फॉर्म पीएम पी एम अटल बिहारी वाजपेयी जी नेक्स्ट है आपका हाउ मेनी करोड़ रुपीज़ वॉज जीएसटी कलेक्टेड इन सितंबर 2023 सितंबर 2023 में कितना जीएसटी कलेक्ट हुआ था तो आंसर क्या होगा 1.62 लाख करोड़ अब चलो ऐसे देखते हैं पूरा का पूरा अगस्त का भी देखते हैं ठीक है जुलाई भी देखेंगे हम लोग जून भी देखेंगे जून में कितना था ठीक है इस टाइप से लिंक कर लो मैम सिक्स वन से सिक्स फाइव गया फिर सिक्स फाइव के बाद में इससे भी नीचे गया दो नीचे यानी कि सिक्स वन की जगह फाइव नाइन हो गया और अब इससे ऊपर गया कितना तीन ऊपर गया यानी कि इसमें तीन जोड़ लो तो सिक्स टू हो जाएगा ठीक है मार्किंग एट द फोर्थ हाइएस्ट मंथली कलेक्शन सिंस द स्टार्टिंग ऑफ जीएसटी एंड यहां पर टेन परसेंट एनुअल ग्रोथ इसने देखा है प्लस यहां पर आपको याद रखना है लगातार कितने टाइम से एक लाख साठ हजार से करोड़ से ज्यादा का यहां पर जीएसटी रिसीव हुआ है इंडिया विल अनवेल द लार्जेस्ट स्टैच्यू ऑफ होम आउटसाइड इंडिया इन मैरीलैंड North America on फोर्टीन ऑफ अक्टूबर तो आंसर क्या होगा बी आर अम्बेडकर जी का मैरीलैंड नॉर्थ अमेरिका में जो स्टैचू है वो लार्जेस्ट स्टैचू अनवेल किया जाएगा नाइनटीन फुट का ये स्टैचू है नाम दिया गया है स्टैचू ऑफ इक्वालिटी जिसको बनाया है किसने रिनोन्ड आर्टिस्ट एंड स्क यानी कि राम सुथार ने बनाया इन्होंने सरदार पटेल स्टैचू भी बनाया है अहमदाबाद गुजरात के अंदर अम्बेडकर जी जिनको की आर्किटेक्ट बोला जाता है इंडियन इंस्टीट्यूट का इनका इनका जो ये पूरा का पूरा स्टैच्यू you know, है ये तेरह एकड़ लैंड के अंदर बनाया जा रहा है मैरिलैंड में इस बार यहां पर अप्रैल हमने वन थर्टी सेकेंड बर्थ एनिवर्सरी बनाई भीमराव अंबेडकर जी की हु टू बी द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नेक्स्ट है आपका विच कंट्री हैज रिसेंटली लॉन्च लेटेस्ट रिमोट सेंसिंग सेटेलाइट याओगन थर्टी थ्री जीरो फोर इंटू स्पेस वो कम्प्लीटली आप पर डिपेंड करता है एज सच कोई बहुत ज़्यादा यू नो डिसएडवांटेज तो होगी नहीं क्योंकि आपके जो गलत हो रहे हैं वो तो गलत ही हो रहे हैं और जो सही है वो सही है ठीक है और अगर जो नॉर्मलाइजेशन भी होगा वो तो आपके करेक्ट स्कोर में होता है ना उसका नेगेटिव स्कोर से तो कोई लेना देना नहीं है सो दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम बट फिर भी कोशिश करना बहुत ज़्यादा यू you नो know, वो मत करना एक आध तुम्हें को लगता है तो तुम चाहो तो छोड़ के आ जाना जो तुम्हें लगता ही ये क्लियरली कि ये तो आता ही नहीं है चाइना सेंटर इट्स लेटेस्ट रिमोट सेंसिंग सेटेलाइट इन टू स्पेस फ्रॉम द जुक्यान जुईक्वान सेटेलाइट जो है वहाँ से इन्होंने भेजा है उस सेंटर के उधर से जुक्यान सेटेलाइट लॉन्च सेंटर इनका नॉर्थ वेस्ट चाइना में पड़ता है और आपको जो नाम याद रखना है कि ये लॉन्ग मार्च फोर सी करियर रॉकेट से ये सैटेलाइट जो भेजी गई है दैट इज याओगान थर्टी थ्री जीरो फोर ये लॉन्च था इस बार फोर एटी नाइन्थ फ्लाइट मिशन ऑफ लॉन्ग मार्च रॉकेट सीरीज का इतनी सारी सैटेलाइट भेज चुका है अब तक ये नेक्स्ट है इंडिया इन विच कंट्री बिगेन आर टू बी मिलिट्री एक्सरसाइज सम्प्रीति 11 इन मेघालय उमरोई टू शेयर tactical ड्रिल्स एंड promote बेस्ट practices इन कैरिंग आउट सब कन्वेंशनल ऑपरेशन मतलब इंडिया ने कौन से दूसरे देश के साथ में मिलके ये सैन्य युद्धाभ्यास किया है संप्रीति ग्यारहवा जो मेघालय के उमरोही जगह पर हुआ तो आंसर क्या होगा मैम सैम और प्रीति जो हैं सैम बांग्लादेश से प्रीति इंडिया से दोनों अच्छे दोस्त हैं मिलते जुलते रहते हैं सबसे पहली बार ये शुरू कब हुई थी 2009 में जोरट असम से शुरू की गई थी संप्रीति एक्सरसाइज इस बार इसका एलेवेंथ एडिशन था मैम आई के लिए कुछ टिप दे दीजिए मैं उसके लिए प्रॉपर एक सेशन लेके आऊंगी डोंट वरी नेक्स्ट डे विच बैंक हैज लॉन्च अ मोबाइल हैंड हेल्ड डिवाइस टू इम्प्रूव एक्सेसिबिलिटी एंड कन्वीनियंस आंसर क्या होगा यहाँ पर एस बी आई ने एक मोबाइल हैंड डिवाइस निकाला है फाइनेंशियल इंक्लूजन को लाने के लिए ये यहाँ पर क्या है कि इस फर्स्ट स्टेज के अंदर गैजेट विल ऑफ़र फाइव मेन बैंकिंग सर्विसेज जिसमें सेवेंटी फाइव परसेंट ऑफ ट्रांजेक्शन जो आपके कॉमन सर्विस पॉइंट आउटलेट पर होता है ना उसकी सेवेंटी फाइव परसेंट सर्विसज ये आपको उस डिवाइस पर मिल जाएंगी तो आपको वहाँ पर कस्टमर सर्विस आउटलेट पर जाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी जैसे कि कुछ सीनियर सिटीजन होते हैं अब उनको आप हर चीज़ के लिए कस्टमर सर्विस आउटलेट पर थोड़ी ले जा सकते हो उनकी दिक्कत होती है घुट्टों में दर्द है चल नहीं सकते हैं तो ऐसी चीज़ों में उनको घर बैठे चीज़ें मिल जाएंगी नेक्स्ट है वो एज बीन अपॉइंटेड एज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डायरेक्टर मुनीश कपूर यहां पर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनाए गए हैं है, वो एडवाइजर चार्ज भी बनाए गए हैं मॉनिटरी पॉलिसी डिपार्टमेंट एंड सेक्रेटरी टू द मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी ठीक है 2015 से 2012 से 2015 के बीच में आ, मुनीश कपूर जो हैं ये एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के एडवाइजर बने थे आईएमएफ के अंदर नेक्स्ट है और ये याद रखना एज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मुनीश कपूर जो हैं ये डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड पॉलिसी रिसर्च ऑरेंस कंपनी है भारत के अंदर इकलौती सरकारी बता तो दिया कार्तिक मैंने तुम्हें इंश्योरेंस पब्लिक री इंश्योरेंस कंपनी के मालिक अब आपको बना रहे हैं हम सब करता दरता आप बन रहे हैं ठीक है रामा स्वामी एन नेक्स्ट है आपका जॉन फोजे हैज़ बीन अवार्डेड द 2023 ट्वेंटी थ्री नोबल प्राइज़ इन लिटरेचर फॉर इज इनोवेटिव प्लेस एंड प्रोज विच गेव वॉइस टू द अनसे एबल हीज फ्राम विच कंट्री तो जॉन फोजे जो हैं ये नॉर्वे से हैं इनको नोबल प्राइज़ मिला है लिटरेचर के अंदर नोबल प्राइज लिटरेचर में कौन देता है स्वीडिश अकेडमी स्टॉक होम स्वीडन के अंदर और यहाँ पर कितने मिलियन क्रोनोर दिए जाते हैं तो स्वीडन की करेंसी क्रोनोर है स्वीडिश क्रोनोर दिए जाएंगे इनको ग्यारह मिलियन पर फुल नोबल प्राइज़ में दिए जाते हैं तो कोजी को यहाँ पर दिया गया है जो भी अभी तक इन्होंने नॉवल्स ऐसेज लिखे हैं उन लोगों के लिए जिनके अव... जो बोल नहीं सकते या जो मतलब तो जो आवाज़ नहीं उठा पाते उनके बिहाव पर इस टाइप की कविताओं से ये उसका आ... उनकी आवाज़ बनते हैं नेक्स्ट है, या वो हैज अवार्डेड द नोबल पीस प्राइज फॉर ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री नोबल पीस प्राइज शांति पुरस्कार किसको मिला है नरगिस मोहम्मदी को मिला है महिलाओं के अगेंस्ट ईरान के अंदर जो ऑपरेशन हो रहा है जो महिलाओं की फ्रीडम छीनी जाती है ह्यूमन राइट्स फ्रीडम जो नहीं दिया जाता इतनी बार ये अरेस्ट हो चुकी हैं टोटल थर्टीन टाइम्स अरेस्ट हो चुकी हैं पाँच बार कन्विक्ट हो चुकी हैं और थर्टी वन प्रिजन में यहाँ पर इन्होंने अपनी जो कैद है इनकी जो सज़ा है कि जेल में बंद रहेंगी वो यहाँ पर इन्होंने निकाले हैं वन फो लैशेज़ इनके साथ में हुए हैं और सितंबर 2022 में यहाँ पर एक कुर्दिश वुमेन थी मासा जीना अमीनी हु वाज किल्ड वायल इन द कस्टडी ऑफ द ईरानियन मोरालिटी पुलिस उसको यहाँ पर उसकी मृत्यु के बाद में यहाँ पर ईरान के अंदर बहुत सारे ऐसे यू नो डिफरेंट जो एजेंडाज़ हैं या जो मूवमेंट्स हैं वो स्टार्ट हुए थे तो नरगिस मोहम्मदी फ्राम ईरान जिनको मिला है पीस प्राइज नेक्स्ट है आपका इंडिया मैन टीम कैन एन चेनाई जोरावर सिंह संधू एंड पृथ्वीराज तोइंदमन वो ऑन द गोल्ड मेडल एट एशियन गेम्स ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री इज रिलेटेड टू विस्पोर्ट तो आंसर क्या होगा मैम शूटिंग स्पोर्ट से रिलेटेड है तो इसको क्या मिला है यहाँ पर गोल्ड मेडल मिला है इनको इसके अलावा अगर बात करें इधर वुमेन ट्रैप टीम ऑफ मनीषा कीर प्रीति राजक एंड राजेश्वरी कुमारी इनको क्या मिला है गोल्ड मिला है विद द टोटल स्कोर ऑफ थ्री थर्टी सेवन नेक्स्ट है आपका इन विच कैटेगरी ऑफ वुमेन बॉक्सिंग बफर हो रहा है आई थिंक मेरे पार्ट पे तो ठीक है नाउ इट्स फाइन करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा इंडिया की जो प्रीति पवार हैं उनको ब्रॉन्ज मेडल मिला है इन द 54 फोर के जी कैटेगरी इन बॉक्सिंग एशियन गेम्स के अंदर और किससे हार गई ये सिल्वर मेडल के लिए खेल रही थी चाइना की युवान चांग के साथ में यहाँ पर हार गए और प्रीति बिकेम द सेकेंड बॉक्सर टू विन द ब्रॉन्ज मेडल आफ्टर निखत जरीन तो दूसरी ऐसी बॉक्सर बनी है निखत जरीन के बाद में जिनको ब्रॉन्ज मेडल मिला है एशियन गेम्स के अंदर एंड यहाँ पर याद रखना चांग इज द एशियन गेम्स गोल्ड मेडलिस्ट शी शिवॉन सिल्वर एंड गोल्ड मेडल्स एट द खेलो इंडिया यूथ गेम्स इन ट्वेंटी ट्वेंटी एंड ट्वेंटी ट्वेंटी वन रिस्पेक्टिवली और सिल्वर मेडल इन्होंने जीता था जो आपकी uh, क्या बोलते हैं प्रीति हैं इन्होंने यूथ एशियन चैंपियनशिप 2021 के अंदर नेक्स्ट है आपका विच कंट्री एज वॉन एस एफ यानी कि साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन अंडर 19 चैंपियनशिप आफ्टर डिफीटिंग पाकिस्तान बाय थ्री जीरो इन काठमांडू नेपाल आंसर क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा इंडिया नेक्स्ट है आपका अहिया मुखर्जी एंड सुतीर्था मुखर्जी हैव वोन द ब्रॉन्ज मेडल ये मुखर्जी नाम से दो लड़कियाँ हैं ब्रॉन्ज मेडल जीता है इन्होंने किस में जीता है तो टेबल टेनिस में जीता है तो आपको याद रखना है टी टी टेबल टेनिस में टी टी है ना टी टी मुखर्जी मुखर्जी यानी कि डबल चल रहा है मुखर्जी मुखर्जी यानी कि ट्वाइस मुखर्जी किससे रिलेटेड है ट्वाइस टी से रिलेटेड है टी टी मतलब मुखर्जी ब्रॉन्ज मेडल मिला है ठीक है नेक्स्ट है आपका एथलीट शी हेलिन वॉक्स हंड्रेड मीटर ऑन स्लैक लाइन इन लेस देन टू मिनट्स एंड सेट अ वर्ल्ड रिकॉर्ड ही इज फ्रॉम विच कंट्री आंसर क्या होगा मैम चाइना से ये बंदा है शी हेलिन जिसने स्लैक लाइन के ऊपर कितने मीटर चला है हंड्रेड मीटर चला है वो भी दो मिनट से कम टाइम लिया है उसने तो ये आंसर करेक्ट होगा नेक्स्ट है आपका हैज़ बीन अपॉइंटेड एज डेप्यूटी चीफ ऑफ नेवल स्टाफ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आंसर क्या होगा तरुण सोपती जो है उनको यहाँ पर सोप दे के कहाँ भेज दिया है नेवी में भेज दिया है कि पानी लो नहाओ सोप तुम्हारे पास है और नेवी में पानी तुम्हारे पास है नहाओ तरुण सोपती नेवल स्टाफ के डेप्यूटी चीफ ठीक है तो दैट्स इट फॉर टुडे आपको ये सारे के सारे क्लासेस का जो नोट्स है वो मिल जाएगा होमवर्क दे रही हूँ मैं आप लोगों के लिए होमवर्क आज का ये है दैट टोटल चलो ये छोड़ो होमवर्क आप लोगों का यह है कि ये बताइए कि जो आपकी फाइनल जी ट्वेंटी फ्रेमवर्क वर्किंग ग्रुप मीटिंग कहां पर हुई और दूसरा क्वेश्चन होमवर्क का आप लोगों के लिए यह है कि आपको बताना है फोर्टी सेकेंड यूनेस्को साइट फ्रॉम इंडिया कौन सी बनी है ये आपका होमवर्क दे रही हो जिसका आंसर आपको करना है आफ्टर द क्लास कमेंट बॉक्स के अंदर 20 से 30 बच्चों का आपको होमवर्क यहाँ पर कम से कम करना है वीडियो को जाते जाते लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब कर देना कमेंट करके बताना सेशन कैसा लगा और होमवर्क जरूर सबमिट करना एंड डू यू शीतल को टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट ऑन ऑल दैट्स इट फॉर टूडे थैंक यू सो मच एवरी वन बाय एंड टेक केयर एंड विशिका इज ऑल द वेरी बेस्ट